नेम द, अगर आप लोग में किसी को पता है तो बताइए, नेम द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी बोल सकते कि मैम हमको नहीं पता है। एनीवन, किन्हीं को नहीं पता है? गोल्जी अपरेटस। और कोई बोलिए, अब बोलिए क्वेश्चन। नेम द पार्ट्स ऑफ सेल, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन लिखिए। गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। चलिए ठीक है मनीषा, आपने कुछ हद तक सही बोला है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल के बाद, तो उसमें तीन ही मोस्टली आते हैं। जैसे आपने जो जो आपने बताया वो कंपोनेंट ऑफ सेल है, जैसे सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स है, सही बोला है, लेकिन ये अगर पार्ट्स ऑफ द सेल बात करें तो तीन ही होते हैं। तीन ही में फर्स्ट में कौन सा होता है? सेल न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन, हाँ न्यूक्लियस, पहला होता, हाँ न्यूक्लियस, वेरी गुड, प्लाज्मा। साइटोप्लाज्म। आप लोग को, हाँ तीसरा है साइटो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। जी। चलिए ठीक है, आप लोग वेरी गुड। अब बताइए कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, काम क्या होता है, या फिर क्यों होता है, किस लिए सेलेक्टिव होता है? सबस्टांस को इंटर करने देते हैं सेल्स के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग, ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर करने के लिए होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल का आउटर लेयर भी होता है, कोई भी सेल का आउटर लेयर भी बोलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल लिविंग सेल आर बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं डिफिनेशन में, आउटर लेयर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। तो आप रिजिड लोग शेप अगर, भी देते हैं। हाँ रिजिड शेप, लेकिन रिजिड शेप में जैसे कोई भी लिविंग सेल, जैसे हम लोग अभी बात करें ह्यूमन बींग्स और एनिमल सेल के बारे में बात करें, प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें एक पॉइंट होता है कि हाँ उसी में कंफर्म रिजिड सेल, क्योंकि प्लांट हार्ड होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल का बॉडी जो होता है वो फ्लेक्सीबल होते हैं, तो फ्लेक्सीबल के कारण उसमें एक ही मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इसीलिए रिजिड सेल भी बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्म अगर प्लांट के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग एक सेल वॉल जो आउटर लेयर होता है उसमें बात करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि वो कोई भी शेप को स्ट्रक्चर देने के लिए बात करता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल यूज होता है या फिर हम लोग को बॉडी में होता है। तो हम लोग अगर हम लोग अपने बॉडी का बात करें तो हम लोग अपने बॉडी का बात करें तो हम लोग आउटर लेयर क्या होगा हम लोग को बॉडी का? एनीवन अपने बॉडी के अनुसार देख के बताए। एपिडर्मिस सेल। हाँ ठीक है, सही बोले, वेरी गुड मोनी, लेकिन इपिडर्मिस, जैसे हम लोग अपने बॉडी का बात किए हैं, आपने नाम से ही बोला, लेकिन हम लोग अभी जैसे जैसे मेरा ये हाथ है तो हम लोग को क्या दिख रहा है, ये आउटर लेयर बताइए, स्किन दिख रहा है। स्किन। हाँ तो स्किन, तो हम लोग को बॉडी का स्ट्रक्चर में तो हम लोग क्या लेंगे अभी देखेंगे, तो स्किन, वो नाम आपने साइंटिफिक वाली सही बोली कि वो इपिडर्मिस सेल बोलते, लेकिन हम लोग नॉर्मल में भी बोल सकते हैं, आम भाषा में बोल सकते हैं कि हम लोग स्किन, या फिर नॉर्मल, या फिर जानवर एनिमल्स में ले ले, या फिर ह्यूमन बींग्स में। चलिए ठीक है, आप लोग ने सही बोला सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, मतलब कि सेल में पाया जाता है तो ये इसका काम क्या होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का हेडक्वार्टर होता है, और न्यूक्लियस का वर्क होता है ये सेल में जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं वो इसके द्वारा होते हैं। यस वेरी गुड पूजा, आपने सही बोला, ठीक है। चलिए न्यूक्लियस कोई भी सेल का सेंटर पार्टर होता है, पार्ट होता है, या फिर हेडक्वार्टर बोलिए, ठीक है। इसके अंदर एक और पाया जाता है, इसके अंदर होता है सेल के अंदर, ये जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप लोगों को नाम पता है तो बताइएगा इसको बोलते क्या है। ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है? क्रोमेटिन। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ वेरी गुड पूजा, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। बेटा तुम बाहर जाओ, जॉब ले सकती हो।
मटेरियल्स। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूंगी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, इससे हम लोग को या फिर सेल को क्या बेनिफिट है या यूजफुल है, कोई एक बताइए। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक लिक्विड स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेल के जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल को एक्टिविटीज में मदद करते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। या वेरी गुड पूजा, जैसे कि आप लोग आपने बोला कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको लिविंग ऑर्गेनेल्स का जितना भी वर्क होता है उनमें हेल्प होता है। चलो ठीक है, आप लोग ने ये समझ लिया कि ये पार्ट्स ऑफ द सेल होता क्या है। पार्ट्स ऑफ द सेल क्या होता है ये आप लोग ने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे सेल होता कितने टाइप्स का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल किन्हीं को पता है? टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल, वेरी गुड। कौन कौन सा है, अगर नाम पता है तो बताइए। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नहीं, एक यूकैरियोटिक सेल और इकोकैरियोटिक सेल होता है सर, दो टाइप्स का पता नहीं। हाँ, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। थोड़ा सा मिस्टेक आपने किया पंकज, बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी ठीक है आपका, बाकी सबने वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। मैं ये जो मैं लिख रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना, या फिर आप लोग जी, मैंने प्रोकैरियोट्स लिखा, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट को हम लोग एक और नाम से डाल सकते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और यूकैरियोट्स को हम लोग जान सकते हैं मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट को अगर हम लोग तोड़े तो प्रो मतलब होता है क्या होता है, किन्हीं को पता है? प्रो, पी आर ओ, प्रो मतलब प्रिमिटिव, सिंगल, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं या फिर सिंगल भी बोल सकते हैं। मैं दोनों लिख देती हूँ, इसको भी तोड़ेंगे तो यही निकलेगा। कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोन्स जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, यू मतलब ट्रू, या फिर बोलेंगे सिंगल मतलब एक से ज्यादा, या फिर मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं, मल्टी भी लिख सकते हैं इसको। और कैरियोन्स, कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप लोग जाना कि प्रोकैरियोट्स में हो गया आपका प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव और सिंगल सेलुलर या फिर न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू और कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस। अब ये मैंने जाना, हम लोग ने जाना कि प्रोकैरियोट्स टाइप्स ऑफ सेल है। अब ये बताइए कि प्रोकैरियोट्स का डिफिनेशन नहीं, मतलब कि कहने का मतलब है कि एग्जांपल, अमीबा पैरामेसियम, अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, क्लैमिडोमोनस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिया। पैरामेसियम हो गया, अमीबा, सबसे बेसिक चीज हो गया ये प्रोकैरियोट्स में या फिर सिंगल सेल में अमीबा। मोस्टली हम लोग अमीबा लेते हैं क्योंकि उसका अमीबा में जो एक चीज खास बात होती है कि उसका स्ट्रक्चर किसी भी शेप में बन जाता है। सबसे बेसिक चीज होता है कि अगर हम लोग अमीबा लेते हैं तो अमीबा का हम लोग कैसे भी शेप बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगी कि अमीबा में कौन सा ऐसा फॉल्स फिट होता है या फॉल्स उसका ऑर्गेनेल्स होता है जिससे वो सारा वर्क करता है, जिसे वो सॉल्व करता है? स्यूडोपोडिया, वेरी गुड, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होता है, जैसे कि वही स्यूडोपोडिया होता है अमीबा में जिससे कि वो सारा वर्क करता है, जैसे उसको फूड अब्सॉर्ब हो, अगर डाइजेशन भी करना है तो उसी से हेल्प ले करता है, अगर वो फूड को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर भी करता है तो उसको किसको यूज करता है, स्यूडोपोडिया को यूज करता है।
उसका बॉडी में सेम प्रोसेस होता है आपका, जैसे हम लोग लिविंग और जैसे मल्टी सेलुलर भी प्रोसेस करते हैं, उसी तरह लिविंग सिंगल सिंगल सेल भी प्रोसेस करते हैं अब्जॉर्प्शन डाइजेशन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनल से करता है। हम लोग का होता है मल्टी सेलुलर में हर एक पार्ट अलग अलग वर्क करता है, और उनका अमीबा में होता है कि सिर्फ वो एक ही पार्ट से अपना सारा वर्क कर लेता है। चलिए ठीक है, आप लोग ने सही बोला। अब है, मैं पढ़ाना चाहूंगी कि अब है सेकेंड टॉपिक है आप लोग का, इसी में सेल का शेप ऑफ द सेल, कि कितने टाइप्स का शेप होता है सेल का और वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है, या फिर हम लोग के बॉडी में कौन कौन से पार्ट में, या फिर एनिमल का पार्ट में कौन कौन से पार्ट में मोस्टली पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शेप ऑफ द सेल, इसका सब टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं, इसको सब टॉपिक में लिख सकते हैं शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल। चलिए ठीक है, आप बताइए कि अगर किन्हीं को पता है तो बताइए कि शेप ऑफ द सेल कितने पार्ट, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कोई एक बताइए, किन्हीं को पता है साइज बोले शेप, क्या पूछी मैम? हाँ साइज, शेप ऑफ द सेल। देखिए टॉपिक मैंने सब टॉपिक लिख दिया, मैंने अगला टॉपिक लिया शेप ऑफ द सेल। अगर शेप के अनुसार तो ट्वीट टाइप्स का होता है, फिर नॉट फिक्स और फिक्स शेप, वही पता नहीं। नहीं नहीं, ये रेगुलर एंड इरेगुलर, नो नो, कोशिश करिए बस, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप जैसे अच्छा मैं आप लोग एक हिंट देती हूँ, जैसे अपना अपना बॉडी देखते हैं, आप लोग देखते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग कैसा बनावट है, कोई बॉडी का पार्ट लंबा होता है, कोई गोल मटोल होता है, उस टाइप से पतला होता है, थ्री होता है, स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल ना, राउंड हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है। यस मोनी, आपने लगभग ऑलमोस्ट सब सही बोला, वेरी गुड, लॉन्गेटेड हो सकता है, आपने भी सही बोला तीन, लेकिन स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं होगा। मैं आप लोग को नाम बताती हूँ, आप लोग ने कुछ कुछ हद तक सही बोला। फर्स्ट है हम लोग का नाम लेंगे राउंड, जैसे मोनी बोली कि वो गोल राउंड हो सकता है, तो फर्स्ट हम लोग राउंड लेंगे। चलिए वेरी गुड, राउंड सही है। सेकेंड हो सकता है इलोंगेटेड, सही, वेरी गुड, इलोंगेटेड। और थर्ड पॉइंट, थर्ड बताइए किन्हीं को पता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसको स्पिंडल से बोलिंग तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, स्पिंडल। जैसे स्पिंडल कहने का मतलब, आप लोग ने देखा है कि बीच में मोटा रहता है और कॉर्नर पे पतला रहता है जी। देख आप लोगों ने कोई चीज देखा, मैं बताती हूँ, जैसे एक मिनट, जस्ट वेट मिनट, नहीं पता है तो कोई चीज तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मार्कर ली, ये बीच में मोटा है लेकिन ये लास्ट लड़ जाती है, पतला हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल। जैसे मैं आप लोग को सेब, राउंड में तो पता है कि ये राउंड होता है, इलोंगेटेड मतलब कि ये ब्रांचेज हो सकता है। जैसे आप लोग प्लांट का रूट देखते हैं, प्लांट का रूट, जैसे मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, ये रूट में ये जड़ निकला हुआ है, ये जैसे इस तरह टाइप का रहता है, इलोंगेटेड मतलब इसका ये फैला रहता है। और ये स्पिंडल शेप में होता है, देखिए बीच में इसको हम लोग मोटा कर दिए, और ये लास्ट जाते तक ये पतला हो जाता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। दिख रहा है आप लोग को जी। तो राउंड शेप वाले सेल जो होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, वो एक्चुअली होता कहाँ है, रेड ब्लड सेल। वेरी गुड, ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड सेल, चलिए ठीक है। इलोंगेटेड बताइए, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, जैसे नॉर्मल में रहता है इलोंगेटेड, जैसे हम लोग इलोंगेटेड कहाँ यूज होता है, हम लोग को बॉडी में ही, आप लोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देख के बता सकते। नहीं, इलोंगेटेड होता है नर्व सेल, नर्व सेल हमारे बॉडी में पूरे फैल जाता है, एकदम ब्रांचेस की जैसा, पूरे बॉडी में पाया जाता है एकदम ब्रांचेस की जैसा, उसको बोलते हैं नर्व सेल।
NERVE नर्व से। हाँ स्पिंडल से बताइए आप लोग। हमारे हैंड में है, हमारे बैकबोन में है, यहाँ मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में। जैसे हम लोग का ये हाथ देखिए, हाथ में देखिए शेप है, तो ये सब में हम लोग का स्पिंडल शेप ही पाया जाता है, स्पिंडल सॉरी मसल सेल। उसी को स्मूथ मसल सेल ही बोलते ना। हाँ तो ये मसल्स में अगर हम स्पेशली मसल्स का बात करेंगे तब वो डिवाइड होगा, स्मूथ मसल्स रफ मसल्स वो अलग बात होगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे सेल का बात करी तो सेल में ये तीन ही आएंगे। अगर स्पेशली हम लोग मसल्स का पढ़ेंगे तो उसमें आएगा स्मूथ मसल्स, उसमें डिवाइड होगा। ये हो गया आपका मसल्स, MUSCLES मसल्स सेल। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया कि राउंड सेल हम लोग को ब्लड सेल में पाया जाता है, इलोंगेटेड हम लोग को नर्व सेल में, और मसल्स हम लोग का स्पिंडल हम लोग का मसल सेल में पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे साइज ऑफ द सेल। जैसे हम यहाँ पे सब टॉपिक में हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट साइज। आप लोग को समझ आ रहा है ना? जी जी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकती हैं, हमको वहाँ पे समझ नहीं आया है, या फिर मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो। जस्ट एक मिनट, ये रिलीज नहीं हो रहा है। चलिए साइज ऑफ द सेल बताइए, कितने टाइप्स का होते हैं, या फिर क्या क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट साइज, सबसे लॉन्गेस्ट साइज, सेल सेल का साइज बताइए, किन्हीं को पता है? सबसे ज्यादा तो ऑस्ट्रिच सेल का होता है सबसे बड़ा। हाँ चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, ये लॉन्गेस्ट सेल आपने सही बताया, ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच ये लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट? लार्जेस्ट ही पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट नहीं, लेकिन मोस्टली देखिए कहीं कहीं पे कोई भी स्टूडेंट या फिर उसको कोई भी नाम देते लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोल देते, लेकिन मोस्टली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही होते हैं। आरबीसी स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, आप लोग सही बोले कि स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, लेकिन लॉन्ग स्मॉलेस्ट का मेजरमेंट हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, एक्चुअली होता कितना है, कोई माइक्रोन में किया जाता है सर, माइक्रोमीटर में किया जाता है, और नहीं तो नैनोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर। हाँ ये क्या बोलते हैं? नहीं नहीं 1 to 10 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल देखिए मैं बता देती हूँ, मैं स्मॉलेस्ट हो नहीं दी, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसको 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर दिख रहा है आप लोग को, 0.5 माइक्रोमीटर। आइए ही हम लोग लार्जेस्ट का बात करें, लार्जेस्ट का बात करें तो 172 किन्हीं को पता है? आगे मैंने इतना हेल्प कर दिया, 192 होगा नहीं, 170 to 130 mm मतलब माइक्रोमीटर, मिलीमीटर स्मॉलेस्ट सेल। हाँ नो नॉट मिलीमीटर, माइक्रोमीटर mm लिखा मैंने। चलिए आप लोग ने सही बोला है स्मॉलेस्ट, और ये कोई भी बेसिक सेल अगर हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अगर हम लोग को मेजरमेंट करना तो यही बेसिक सेल का हम लोग यही लेते हैं मोस्टली। मैम माइक्रो के लिए आप एम यूज किए हैं? हाँ तो माइक्रो का एम एम ही होता है ना, माइक्रो का म्यू होता है, तो आप लोग बताइए माइक्रो को म्यू से म्यूट कर डिनोट करते हैं। ओके पर मैंने तो ही पढ़ा, ठीक है मैं देख लूंगी, अगर मैं गलत हूँ तो यूनिट मैं देख लूंगी, एक बार चेक कर लूंगी। चलिए थैंक यू बताने के लिए। चलिए आप हम लोगों ने पढ़ेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन होता क्या है और कैसे होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ मल्टी सेलुलर की बात करूंगी, जैसे हम लोग का ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर या फिर सिंगल सेल? मल्टीसेल्यूलर। जी हाँ मल्टीसेल्यूलर। हाँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीसेल्यूलर का बात करूंगी, नॉट अ सिंगल सेल। तो सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल फंक्शन कैसे करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का तो आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही है कि
मैं आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं देती हूँ, जैसे देती हूँ कि आप लोग नॉर्मल भाषा में या फिर हमको समझाइए, जैसे हम लोग कोई फूड खाते हैं तो उसका कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आम भाषा में नॉर्मल जैसे तरीका हम लोग बात करते हैं वैसे आप बता सकते हैं, हम लोग फूड खाए तो पहले क्या किए, मुंह में फूड लिए, क्या किए, बताइए आप लोग प्रोसेस, कोई एनिमल आप लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूछे हैं? जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं मतलब खाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि कैसे कैसे लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो कैसे जानता है जाता है? जी जी प्रोसेस फूड का प्रोसेस होता क्या पहले, है? पहले फूड को हम लोग हैंड के द्वारा माउथ में लेते हैं, माउथ में क्या बोलते हैं मिक्स करने के बाद ये लार जो जाता है वो मिक्सिंग होता है ये हमारे फूड में, और उसके सहायता से वो जाता है ये याकृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसमें इसोफेगस बोलते हैं, ये जो होता है हम लोग का ये गला के नीचे जाता है लंबा सा पाइप, उसको बोलते हैं फूड पाइप भी बोल सकते हैं, और उसको साइंस के भाषा में हम लोग इसोफेगस बोलते हैं। आगे बोलिए, आपने सही बोला अभी तक। उसके बाद एक हम हिंदी में बताते हैं, एक अग्नाशय आता है ना, ये अग्नाशय कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई टाइप से जूस निकलता है, और जूस का नाम नेमली मुझे नाम नहीं पता है, वो शायद फूड को तोड़ता है शायद फूड में जाने के बाद, उसको छोटे छोटे राउंड में तोड़ने के बाद फिर हिंदी में बताते हैं बड़ी या छोटी होता है उसमें जाता है, फिर वो डायबिटीज जैसा होता है, बस जितना मुझे पता है बताएं। चलिए आपने कुछ हद तक सही बताया, जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो फूड लेने के बाद पहले हम लोग उसको अपने टीथ या फिर दांत के द्वारा च्यूइंग करते चिबाते, अगर वो फूड पूरा एकदम वो मिक्स हो जाता है या फिर पूरे एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर वो स्लाइवा हम लोग के मुंह में माउथ में कंटिन्यू स्लाइवा प्रोड्यूस होते रहता है, तो वो स्लाइवा जो होता है हम लोग को फूड में डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, तो स्लाइवा वो जो मिक्स होता है, स्लाइवा जो मिक्स होता है वो धीरे हम लोग अगर हम लोग निगलते हैं जैसे हम लोग होते हैं ना पानी पी के निगल लेते हैं फिर ऐसे ही खा के, तो वो इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस में जाने के बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिल में उस मिक्स करते, जो भी प्रोडक्ट जो भी हम लोग खाते हैं जैसे हम लोग जूस लेते हैं या फिर कोई सॉलिड प्रोडक्ट लेते हैं खाने में, तो जितना भी उसमें विटामिन या फिर मिनरल्स आयरन जितना भी होता है सारा बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है, और वो जितना भी जितना उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो निकल के अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर हो जाता है। तो चलिए आप लोग ने सही बोला, तो इसमें ये प्रोसेस था कि ये प्रोसेस मैंने इसलिए पूछा ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग जैसे मोस्टली तीन ही होता है इसका फंक्शन, जैसे फर्स्ट होता है हम लोग लेते हैं डाइजेशन, दूसरा होता है एसिमिलेशन, और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जी पहला होता है डाइजेशन, डाइजेशन फंक्शन, दूसरा होता है एसिमिलेशन, डाइजेशन मतलब हम लोग के अंदर वो स्लाइवा के द्वारा हम लोग अंदर डाइजेस्ट किए वो खाना हम लोग को हिंदी में वो पाचन पच गया, फिर दूसरे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन की जितने भी मिनरल्स है पूरे बॉडी में वो हम लोग अब्सॉर्ब कर लिए एसिमिलेट कर लिए अपने अंदर, एसिमिलेशन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जितना भी प्रोडक्ट टूट के छोटे छोटे कण में डिवाइड हो गया है अब वो एसिमिलेट करने के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वो तो पूरे बॉडी हम लोग का विटामिन आयरन मिनरल्स अब्सॉर्ब कर लेता है, या फिर सॉलिड प्रोडक्ट जैसे हम लोग नॉर्मल में भी रोटी या फिर दाल सब्जी ये सब खाते हैं सॉलिड प्रोडक्ट, तो वो भी हम लोग का बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर आउट हो जाते हैं एनस के द्वारा। चलिए ठीक है आप लोग को ये समझ में आ गया तीनों कि ये प्रोसेस कितना होता है, तीन प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं या फिर हमारा बॉडी काम करता है। चलिए मैं आप लोग के लिए नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हम लोग का जो बॉडी में किडनी है आप लोग जानते हैं किडनी के बारे में? ब्लड को ब्लड को क्लीन करता है इतना पता है। एनीवन कोई और? इन्होंने जो बोला वो सही बोला कि ये किडनी हमारे ब्लड को क्लीन करता है, कोई और बताइए प्लीज, कोई और बताइए, और कौन कौन है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ, और है कौन है, मनीषा, पूजा, मोनी, क्वेश्चन रिपीट करिए,
जैसे इन्होंने बोला कि मैंने पूछा किडनी हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, तो इन्होंने बोला कि हमारे ब्लड को क्लीन करता है। क्या इन्होंने सही बोला? सही है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, अब वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है और अमोनिया और यूरिया को भी अलग करता है। किडनी ये जो तो फिर वाटर क्यों प्यूरिफाई करता है? वाटर कौन हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्यूरिफाई करते हैं? वाटर, चलिए बताइए आप लोग। इसी का बोला कि सेम फंक्शन होगा किडनी का भी। आवाज नहीं आ रहा क्लियर, आप लोग अच्छा से बोलिए। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन में क्या काम करती है, ब्लड या फिर वाटर? वाटर। चलिए ठीक है, आप लोग ने सही बोला, लेकिन पंकज जो ने आपने डायरेक्टली बोला कि ब्लड, ये ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं करती है, ये वाटर को फिल्ट्रेट करती है, हमारे जो यूरिन होते हैं उसको फिल्ट्रेट करती है। ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम होता है हार्ट को। हार्ट में होता है कि मैं जब वो स्पेशली पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी कि हार्ट में फोर होते हैं निकलने का पार्ट, एक होता है एक से जैसे वेस्ट, जैसे खराब ब्लड हो गया उसमें वो जाता है, फिर न्यू ब्लड बन के दूसरे जगह से निकलता है, वो स्पेशली ब्लड में बताओ हार्ट को पढ़ाऊंगी तब उसमें नजर आए। लेकिन अगर हम यहाँ पे किडनी का बात करें तो वो फिल्ट्रेट करता है वाटर या फिर यूरिन को। जितना भी हम लोग दिन भर में टोटल वन डे में जितना ग्लास ऑफ वाटर पानी पीते हैं उसको फिल्ट्रेट करके यूरिन में वो डेवलप करके वो बाहर निकाल देता है हमारे बॉडी से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक मिनट। अब हो गया हम लोग को, चलिए ठीक है। पार्ट ऑफ द सेल में जो आप लोग ने बताया था तीन नाम, ठीक है, आप लोग ने बताया था पार्ट सेल में तीन नाम बताया था, रिमेम्बर है किसी को या फिर भूल गए आप लोग? याद है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आप लोग को याद है, आप लोग ने सही बताया, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और प्लाज्मा। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैं यहाँ पे आप डायग्राम दिखाऊंगी आप लोग को या फिर मैं बना देती हूँ, दो मिनट लगेंगे ज्यादा नहीं, देख लीजिए आप लोग। ये हो गया हम लोग का सेल, सेल के अंदर हो गया ये सेंटर पार्ट, हो गया न्यूक्लियस। आप लोग नाम बताएंगे, मैं नहीं नाम बताऊंगी, इसको क्या बोलते हैं? चलिए फटाफट जल्दी पास पास नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है जी। मेम्ब्रेन, ये दूसरा है क्या है? न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक स्ट्रक्चर, चलिए वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। मैं आप लोग को स्ट्रक्चर देती हूँ, अगर आप लोग पहचानते हैं तो बताइएगा नाम, जैसे ये चलिए इनका नाम, इसका नाम बताइए, ये है क्या? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्यों होता है, ये क्या काम करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। या वेरी गुड, ये माइटो सेल का ये पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल को भी जितने पावर मिलते हैं किससे मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते हैं, जिसे एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। अगर एक से ज्यादा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। हाँ वेरी गुड, एक से अगर एक से ज्यादा किसी सेल में अगर होता है कि एक से ज्यादा वो ज्यादा पाया जाता है तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अब मैं आप लोग को बोल ये दिखाती हूँ इमेज, ये है देखिए, ये जस्ट लाइक सन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको बोलते हैं, बताइए आप लोग, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजो, दोनों एक ही चीज है। वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर दिया। अब दूसरा बताइए आप लोग, क्या मैं बोलूँ यहाँ पे? हाँ, ये बहुत सारे सेल में पाए जाते हैं, ये बताइए किसी तरह होते हैं? हो जाएगा लाइसोसोम होते सर,
लाइसोजोम्स भी बोल सकते हैं इसको, लाइसोजोम नहीं प्लास्टिड्स नहीं बोलेंगे इसको, लाइसोजोम बोलेंगे। अगर कोई भी सेल ज्यादा इलोंगेटेड रहा, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि तो बहुत सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अगर कोई सेल ज्यादा इलोंगेटेड रहा, उसको ज्यादा मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोस्कोपी से देखा गया, तो हर एक ऑर्गेनेल का अलग अलग कभी कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, कभी कुछ, लेकिन मोस्टली ये ज्यादातर ये गोल ही स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं लाइसोजोम, LYSO। ठीक है, आप बताइए आप लोग, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, छोटे छोटे डॉटेड लाइक एकदम, उसको क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी इसको, इसमें और भी है तो। राइबोसोम, हाँ इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, लेकिन इंडिविजुअल होता है, मैंने इसको ही बनाया नहीं, मैंने सिर्फ इसको डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिया, वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे होता है सेल के, ये न्यूक्लियस के किनारे जैसे ऐसे पर बना होता है, मैं यहाँ बना देती हूँ देख लीजिए, ऐसे ऐसे रहता है। राइबोसोम, हाँ राइबो, आर नहीं दिख रहा है क्या, मैं फिर से लिख देती हूँ, राइबोसोम, आर आई बी ओ एस ओ एम ई एस, राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए ठीक है आप लोग, अब मैं आप लोग को बताऊंगी, ये तो समझ में आ गया किस क्या होता है सेल, मैं ज्यादा ऑर्गेनेल्स नहीं लूंगी, नॉर्मल ये सब सेल है, आप लोग जानते हैं, समझ गए ये आप लोग, मैं आप लोग को एक इमेज इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर जहाँ डाउट होता है मेरे से क्लियर कर लीजिए, दिख रहा है आप लोग को? जी क्लियर है, देख लीजिए अच्छे से, नाम देख लीजिए, और कहाँ कहीं भी कोई पॉइंट पे डाउट है तो नाम लिख के हमको बता दीजिए। हो गया, आप लोग ने देखा जी। मैम सेंट्रोसोम का क्या वर्क होता है? सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है? इसका वर्क तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देती हूँ, अच्छा बता देती हूँ, एक मिनट, जैसे मोनी ने कहा कि प्लास्टिड्स, बीच में आपने ने कहा था एक प्लास्टिड्स का काम, तो प्लास्टिड्स होता क्या है मैं बता दूं, प्लास्टिड जो होते हैं सेल, एनिमल सेल में नहीं होते हैं, या फिर वो किसमें होते हैं, वो प्लांट सेल में होते हैं, किन्हीं को ये बात पता थी? यस मैम। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक सेल में नहीं होती, मतलब एनिमल सेल या फिर ह्यूमन बींग सेल में नहीं होता, वो प्लांट सेल में होता है। ठीक है, अब मैं आगे एक्स्ट्रा बताती हूँ, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ, थोड़ी टाइम लग रहा है इरेज करने में, ये आप लोग को समझ में आ गया ना? जी बिल्कुल, एक पॉइंट मैं सब पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल का डिवाइडेशन, सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर सेल डिवाइड होके क्या होता है, कैसे होता है, लिविंग सेल को आप लोग ने, जैसे हम लोग ने, या फिर कोई भी, कितने पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन, सेल को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके आगे, फिर उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि, चलिए आप लोग नाम फटाफट आंसर देते जाइएगा, अगर आप लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो मैं फिर भी बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द सेल इन अ टिपिकल सेल, नॉर्मल सेल में कितने पार्ट्स होते हैं? 3/4 होते हैं। 3 पार्ट्स, ठीक है, आप निस्मोनी आप चुप रहेंगे, कोई और, कोई दूसरे जवाब देंगे,
कि नाम, उसका नाम बताना पार्ट्स ऑफ द सेल में, या फिर मैं नाम membrane, या फिर आप लोग खुद मेम्ब्रेन सेल और क्या बोलते हैं प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म ये तीनों बताएं। बोलिए बोलिए अच्छे से बोलिए, थोड़े से पहुंच रहे सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। चलिए ठीक है, आपने सही आंसर दिया। अब आप चुप रहेंगे और कोई और आंसर देंगे इसका, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल में हम लोग ने पढ़ा सेल का कौन सा, या वेरी गुड पूजा। चलिए अब आप चुप रहेंगे और कोई और बोलेंगे। न्यूक्लियस, वेरी गुड आंसर, आपने सही दिया है। अब आप चुप रहेंगे तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। अब दूसरे कोई जो जो आंसर दे चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, जो आंसर दे चुके हैं वो म्यूट हो जाए, या जो नहीं आंसर दिए हैं, या फिर जिन किन्हीं को आता है ये आंसर, न्यूक्लियस का काम क्या होता है ये बताइए आप लोग। किन्हीं को नहीं पता, चलिए ठीक है, जिनको पता आप बोल सकते हैं। किन्हीं को, जिनको, मोनी, पूजा, मनीषा, शंकर, जब पता है, बता के जितने भी सारी एक्टिविटीज होते हैं उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जी हाँ, चलिए ठीक है, एक लाइन में आंसर आपका ठीक है। अब मैं किसी का नाम लेके पूछती हूँ कि अगर कोई बता दे ये आंसर। मनीषा नहीं है, मनीषा क्या, चलिए ठीक है, आप ही लोग मिल सकता है। मैं रिविजन करी जो मैंने अभी तक में पढ़ा, क्या आप लोग को याद है या नहीं, फिर मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगी। Who discovered the living cell? In which year? ल्यूक हॉट, ना ना ल्यूक था, नाम भी गलती बता रहे हैं। लियोन हॉक, एल डब्ल्यू यू लियोन हॉक, लियोन हॉक 1674। हाँ 1674, चलिए वेरी गुड, आप लोग दोनों ने लगभग आंसर सही दिया है। उनका नाम और चलिए साइंस है तो साइंस में नाम डिफिकल्ट भी होते हैं, मैं भी गड़बड़ा जाती हूँ। तो चलिए आप, हम लोग पढ़ेंगे, हाँ लियोन हॉक, आप पढ़ेंगे कि हु डिस्कवर द सेल, नॉर्मल सेल जो हम लोग बात करते हैं। रॉबर्ट हुक, चलिए वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आप, ये बहुत सारा क्वेश्चन इजी इजी, मैंने बस एक ही क्वेश्चन बनाया, एक ही से मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका मेरा अलग रहेगा। Which part of the cell is found in center? Nucleus. Very good. बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग ने। Name the outer layer of the cell. Cell membrane. Very good. Yes. Cell membrane. आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा से क्लास किया है और आप लोगों ने सारे आंसर जवाब दिया है। अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए। मेरा क्लास ओवर होने को है इसीलिए मैं आप लोग से क्लियर करके पूछ रही हूँ, और कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं अगर नहीं होता तो मैं समझ में आ गया मैम, क्या बोले आपने, समझ में आ गया, आ गया क्लियर, आवाज क्लियर नहीं हो रहा था मेरे को। चलिए ठीक है, आप लोग समझ में आ गया तो अच्छा है। तो मैं आप लोग से अभी सोच रही हूँ कि कुछ और टॉपिक आगे पढ़ा दूं या फिर मेरी टाइम हो चुकी है। मैडम मैम होमवर्क, मैं टाइम होमवर्क दे रही हूँ मैं होमवर्क, अगर आप लोग सच में होमवर्क मेरे को, जैसे मैं बड़ा सा होमवर्क नहीं दूंगी, नॉर्मल सा होमवर्क दूंगी, एक छोटा सा, आप लोग को बड़ा सा पेज में नहीं बनाना है, बस एक छोटा, जैसे मैंने अभी आप लोग को TLM दिखाया ना, जैसे ऐसा उसी तरह आप लोग को एक वेल लेवल डायग्राम है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर मैं होमवर्क दे रही हूँ लिख लीजिए, मैंने होमवर्क भी सोच के रखा है, लिख लीजिए आप लोग, वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ सेल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। मैंने सिर्फ ये अभी एनिमल सेल के बारे में पढ़ाया, अगली क्लास में मैं प्लांट सेल के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू मैम।
वेलकम। मनीष सर सो गए क्या? मनीष सर हेलो, आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। आवाज नहीं आ रहा सर? आ रही है, आ रही सर की आवाज नहीं आ रही है, जा रहा है भाई। सेना पहले तैयार है फीडबैक लेने के लिए। यस सर। फीडबैक पहले स्टूडेंट दे ले, जितने भी लोग है अगर कुछ चले कमी है तो आप लोग दे ले, बाद में दे। सर टॉपिक क्लियर है हम लोग को? टॉपिक और कोई फीडबैक जो आप लोग को लगता है कि अभी सेना में कुछ कमी है उसमें सुधार के हाथ में? कृष्णा सर का आवाज लग रहा है सर। मनीष सर कहाँ बोल रहे हैं? कृष्णा सर है सर? आप लोग पहले फीडबैक दे लीजिए खुद से, उसके बाद मैं दे रहा हूँ। किसी के पास कोई फीडबैक नहीं है? फीडबैक है सर, टॉपिक ऑलरेडी बढ़िया सर एक्सप्लेन किया और क्लियर हो गया, हम लोग को बढ़िया लगा। अच्छा और कुछ? चलिए मैं बात करता हूँ। पहले एज ए टीचर एक बात कही जाती है कि सारा जीवन उच्च विचार, तो आपका जो यूनिफॉर्म या बाल का कटिंग या कोई भी चीज होता है वो ध्यान रखने वाली बात होती है, बच्चा बहुत ज्यादा गौर करता है। आप लगातार पढ़ा रही हैं तो अपने बालों को सवार ज्यादा रही हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा बेटा मेंटेन करना पड़ता है इन चीजों को। आप जो कुछ भी है जो चीज लगा सकते हैं आप क्लिप लगा ले, जो बाल आप लगातार काटते आ रहे हैं जिससे कह रहे थे ना कि जो आपके बाल हैं उसको थोड़ा सा सही रखिए और उस पर थोड़ा सा सुधार करिए आप, क्योंकि वो आपके लगातार आप पे आ जा रहे हैं। थोड़ा नहीं उसमें नहीं, उसको थोड़ा सा सेट रखिए क्योंकि उन चीजों से क्या है आपका ध्यान लगातार भटक रहा है। दूसरी बात कि आप जब पढ़ा रही हैं तो बहुत ज्यादा टॉपिक को देखने की कोशिश करिए। एज ए साइंस टीचर ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि साइंस टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाने जाता है उसको बुक अलाउ नहीं होता है, उसको कोई भी टॉपिक देखने के अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपका जो एलएम होता है एलएम पे यूज कर सकते हैं, तो आप क्या करिए लगातार बुक पे ध्यान दे रहा है कुछ भी जो रखी हुई है आप आगे टीचिंग होगा या कोई भी टीचिंग होती है कुछ भी रखी हुई है वो सामने रहता तभी ठीक है और नहीं दिखाई देना चाहिए। बाकी बहुत सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और स्टेप फॉलो करना था शायद ध्यान आपको कि स्टेप को पुनरावृत्ति क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद गृह कार्य करना था, तो पुनरावृत्ति और जो मूल्यांकन क्वेश्चन था उस पर थोड़ा सा मुझे एक इंट्रोडक्शन था। क्या आपने किया था? सर यस सर आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे मेरी पहली क्लास है, मुझे समझ में नहीं आया। जिन्होंने आंसर दिया उनको वेरी गुड भी बोला था और जिन्होंने नहीं किया था उनको बोला था कि क्या आप मेहनत कर। क्या सर? पुनरावृत्ति क्वेश्चन था ग्री कार के पहले जो आप पहले जी होमवर्क के पहले जो आते हैं। यस सर होमवर्क के पहले मैंने क्वेश्चन किया था जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड और जिन्होंने आंसर दिया उनको मैंने वेरी गुड भी दिया कि हाँ आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है आप लोगों ने सही जवाब दिया है। हेलो मैम मेरी पहली क्लास है, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आई आज। कौन बोल रही है?
सर आप नेटवर्क में नहीं है सर, आपका आवाज बिल्कुल कट कट के आता है सर। ओके ओके, प्रॉब्लम है मेरे को, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। ये कौन सर? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर, आवाज कट रहा है। शायद प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो। नेक्स्ट कौन है टीचिंग के लिए? सेना को पर्सनल मैसेज कर दिया जा रहा है। सेना ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मनीषा, मनीषा ठीक आइए। हेलो, हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ जी जी, बोलिए, आवाज आ रही है सर। मनीषा के बाद मैं पढ़ाना चाहूंगी। आप हाथ रेज कर दीजिए या तो आप मैसेज डाल दीजिए, ठीक है? आप चैट कर दीजिए, हम लोग आपकी बात समझ जाएंगे। ओके सर, ठीक है मनीषा, चलिए। ठीक ठीक ओके मनीषा, ठीक है चलिए। जी बिल्कुल दिख रहा है मनीषा, लेकिन लाइट अगर वहां हो तो लाइट दे दीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं हम लोग। ठीक हूं मैं। ठीक है, रहना भी चाहिए। और मैडम रूम में लाइट हो रहे थे, एक लाइट और जला दीजिए। ओके मैं ले लेती हूं। अरे तो दिख रहा है ना? दिखाई दे रहा है। दिख रहा हूँ, देख दिख रहा है। हम लोग ये बताइए कि हम लोग सजीव हैं या निर्जीव हैं? हम लोग सजीव हैं। सजीव से कैसे हम लोग सजीव हैं? हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग घूमते हैं, हम लोग मोशन करते हैं, मोशन करते हैं, हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो कुछ निर्जीव भी होते होंगे जो सांस नहीं लेते होंगे, जिसमें जान नहीं होती होगी, वैसे वस्तु कौन कौन से हो सकते हैं? ये व्हाइट बोर्ड हो गया आपका, आपका मार्कर हो गया आपका। और अगर हम लोग सजीव हैं तो हम लोग में बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते होंगे। जी बिल्कुल। प्रोसेस का नाम बता सकते हैं आप, क्या क्या प्रोसेस होते हैं? रिस्पायरेशन, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। डाइजेशन, जिससे हमारा खाना पचता है। रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, वो सब होता है। मतलब एक साथ मिलाएं प्लीज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सिमिलेशन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस को मिला के क्या बोलेंगे? तो ये सारे सारे प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलेंगे बच्चों? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? यस मैम। All living organisms perform number of activities for maintenance of their life.
such as diet, nutrition. Digestion, circulation, respiration, circulation, reproduction. इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या परफॉर्म करते हैं? बहुत सारे एक्टिविटीज अपने बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए करते हैं, जो कि डाइजेशन हो सकते हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, जो हम खाना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आप बोलेंगे हमारे हम जो करते हैं तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारा बॉडी मेंटेन नहीं कर रहा है, हमारे अंदर के बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते चलते क्या हमारा रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है? अंदर कुछ तो फूट रहे होंगे, कोई केमिकल रिएक्शन तो जरूर हो रहा होगा। लाइफ प्रोसेस और एक डेफिनेशन हम लोग और देख सकते हैं, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग एंड themselves is known as life process। इसका मीनिंग यही हुआ। हम लोग एक और करके देते हैं डिफिनेशन, या ये दोनों में से आप लोग जो लिख सकते हैं वो आप लोग की सहमति लिख सकते हैं। अब क्या सिर्फ ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ प्रोसेस होते हैं और सारे एनिमल्स की नहीं हो सकते, या फिर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी लाइफ प्रोसेस होते होंगे या नहीं? होते हैं। होते हैं। अगर बात करें अमीबा की तो क्या अमीबा खाना नहीं खाता होगा? खाता होगा। ह्यूमन को चलाने के लिए इधर उधर दौड़ता होगा? यस ऑफकोर्स दौड़ता है। और जो हम लोग के बॉडी में जो होते हैं वो हम लोगों की लाइफ प्रोसेस है, और जो जिसका मतलब जो करता है, चाहे कुत्ता दौड़ रहा है, चाहे एक मनुष्य है जो मतलब चोर पुलिस है जो चोर को पकड़ने में दौड़ा था, ये उसकी लाइफ प्रोसेस है। उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं मतलब जिसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो उनकी लाइफ प्रोसेस होती है। समझ में आ गया जी? तो हम बात करते हैं जैसे स्टार्ट कैसे होता है, ये लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। अगर हम कुछ खाना देखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, ठीक है? आप लोग भी खाते होंगे कि नहीं रोज खाना? एक कॉम्प्लेक्स फूड खाया हम लोग, मान लीजिए हमारा फूड है खाते, तो इस खाने को क्या हो गया? हमारा न्यूट्रिशन हो गया। अब हम अंदर ले लिए खाना, दिया हमारा न्यूट्रिशन पोषण मिल गया हम लोगों को, मिला कि नहीं? बोलिए जी, मिला न्यूट्रिशन। हाँ, उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग चले फूड तो खा लिए, अब फूड तो खा लिए, खाने के बाद ये अंदर क्या होगा? पचेगा, पचाएगा, फिर ये जो फूड होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। पहले क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं। टूटने की जो प्रक्रिया है एंजाइम्स की मदद से टूटते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन होते हैं।
डाइजेशन। ओके वेरी गुड। आप डाइजेशन तो हो गया, मान लीजिए सपोज दैट हम लोगों ने आज चावल खाए, आप लोग सुबह सुबह क्या खाए आज? रोटी और दाल। रोटी चावल। अच्छा रोटी भी हो गई दाल भी हो गई। चले तो रोटी जो खाए क्या हमारा क्या मिलता है रोटी में? रोटी में रोटी कार्बोहाइड्रेट, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाए ये आगे चलके टूटेगा, एंजाइम्स की मदद से टूट गया। ठीक है, अब टूटने के बाद ये क्या निकला? ग्लूकोज। क्या निकाले? ग्लूकोज H2O6। ग्लूकोज मिला हमारे बॉडी को। और प्लस ये क्या निकाला? ये निकाल दिया एनर्जी। ये जो हमारे जो भोजन किए उसके बाद ये टूटा, टूटने के बाद जो ग्लूकोज निकाला, ग्लूकोज प्लस ये सॉरी ऑक्सीजन निकालेगा जो हमारे। अब ये जो ग्लूकोज है वो फिर से टूटेगा, टूटने के बाद इसमें क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O वाटर प्लस एनर्जी, ATP इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है एनर्जी? हमारा ATP का फॉर्म में स्टोर रहता है इसलिए एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इतना जो ब्रेकडाउन हुआ किससे? इतना तो हमारा डाइजेशन का सपोर्ट, जैसे हम खाना खाए, खाने के बाद एंजाइम की वजह से टूटा, ग्लूकोज से भी जब हमारा ये टूटा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, जो एनर्जी हमें मिली पूरे बॉडी में, जो हमारे एनर्जी मिली, जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिली, वो हो गया हमारा रेस्पिरेशन। क्या हो गया बताइए आप लोग? रेस्पिरेशन हो गया। ये तो ये प्रोसेस हमारा हो गया रेस्पिरेशन। अब बच्चों हमने प्रोसेस तो रेस्पिरेशन तो हो गया, तब क्या हमारी एनर्जी एक ही जगह पे रहेगी? जिस पार्ट में हमें एनर्जी मिली क्या वहीं पे वो रहेगी या पूरा बॉडी में घूमेगी? पूरा बॉडी में घूमेगा। तो किसके मदद से घूमेगी पूरा बॉडी में? कोई तो होगा मीडियम जो इस एनर्जी को पूरा बॉडी में घुमाएगा। जी ब्लड। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड जो है हमारे एनर्जी को जो घुमाएगा पूरे बॉडी में, जो घुमाएगा सर्कुलेट कराएगा, दैट इज द सर्कुलेशन। क्या हो गया ये? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन अब इतना तक तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि सर्कुलेशन क्या? पहले हम लोग खाना खाए, खाना से एनर्जी मतलब ब्रेकडाउन हुआ तो कॉम्प्लेक्स फूड जो टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में, दैट इज द डाइजेशन। अब डाइजेशन से भी वो जो न्यूट्रिएंट मिला हम लोगों को हमारे ब्लड में, जो न्यूट्रिएंट पड़ रहे थे उस न्यूट्रिएंट का जो मतलब जो ग्लूकोज हमारा गया फिर से केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो ये CO2 प्लस H2O और एनर्जी में टूटा, तो जो एनर्जी हमें फिर से मिली वो फिर हमारा पूरा बॉडी में मूव किया ब्लड की सहायता से, तो दैट इज द सर्कुलेशन। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस मतलब बढ़ते जाते हैं, सर्कुलेट हो गया, एनर्जी भी मिल गई, जब हमारा एनर्जी मिल गई अब हमारे अंदर रेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारा भोजन को पचा दिया, अब बचा क्या? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को हम लोगों को निकालना जरूरी है क्या? नहीं तो हम लोगों का पेट फट जाएगा, जरूरी है ना? जी। तो दैट इज द एक्सक्रीशन। क्या हो गया? एक्सक्रीशन।
ये एक्सक्रीशन क्या होता है, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मैटर, जो हमारे बॉडी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो भी हानिकारक ही है। अब आते हैं बच्चों, उनको लाइफ प्रोसेस का एक मतलब हम डायग्राम बनाते हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो शुरू किस चीज से होता है, हमारा न्यूट्रिशन किससे शुरू हुआ, चेंज हुआ डाइजेशन, फिर हुआ फिर क्या होगा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सॉरी सर्कुलेशन, देखते हो गए आप लोग, इसको पढ़ना नहीं है अगले चैप्टर में, इसे पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा हार्मोन का कंट्रोल होता है उसका समन्वय होता है, वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके बाद हो जाएगा हमारा ग्रोथ, ग्रोथ के बाद हम लोग किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाएंगे, तो दैट इज द रिप्रोडक्शन। दैट मूवमेंट पूरा चलता रहेगा। पहले क्या हुआ कि मतलब लाइफ प्रोसेस हमारा शुरू किस चीज से होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो हम लोग खाना खाया, डाइजेशन जो खाने को हम लोग पचाए, रेस्पिरेशन जो खाने को हम लोग तोड़े तोड़ के निकाले एनर्जी, सर्कुलेशन उस एनर्जी को हम लोग पूरे बॉडी में घुमाए, एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम लोग बॉडी से निकाल दिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। निकल गया उससे हमारा बॉडी ग्रोथ करेगा डे बाय डे, ग्रोथ ग्रोथ करते करते धीरे धीरे हम लोग इतने बड़े हो जाएंगे कि किसी चीज को मतलब हम लोग सेम यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाएंगे, दैट इज द हम जो हमारे बॉडी में ये जो एंजाइम्स की मदद से केमिकल रिएक्शन होते हैं, टूटते हैं कुछ बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, इन सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे खाना टूटा, टूटने के बाद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को भी हम लोग तोड़े तो इस तोड़ने से एनर्जी निकले, ये सारे प्रोसेस, इस प्रोसेस का भी एक नाम दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कोई किसी को आइडिया है? नहीं मैडम। दैट इज द मेटाबॉलिज्म, क्या है मेटाबॉलिज्म, सॉरी थोड़ा मेरा कॉल आ रहा था इसलिए, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ टूटते रहते हैं कुछ बनते रहते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें इस सारे प्रोसेस को जब टूटता है बनता है सिंथेसिस होता है फॉर्मेशन होता है, इस चीज को बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ये एक टाइप का केमिकल, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बॉडी में, उसी को नाम दिया गया है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट चीज है,
Within the cells of organism. ये क्या है? वेरियस केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर होते रहते हैं। हमारा बॉडी तो पूरा सेल से ही बना है, इसलिए ये कहाँ होते हैं? सेल के अंदर ही सब रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस वाटर एक्टिविटीज, क्योंकि ये बायोलॉजिकली होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल, सॉरी इसे क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें दिखते हैं बायोलॉजिकली होते हैं, इसीलिए हम इसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड that are constantly taking place in the living matter. And it is necessary. मतलब क्या समझे आप लोग? कोई समझा सकता मुझे? बताइए। मेटाबॉलिज्म ऐसा वर्ड है जो सम टोटल जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में, मतलब लिविंग बींग्स में, एंड इट इज नेसेसरी, क्या बाह्य और या बहुत ही जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म। अगर ये नहीं होगा तो ना हमारा भोजन टूटेगा, ना हमें एनर्जी मिलेगी, ना हम चल पाएंगे, ना फिर दौड़ पाएंगे, सारा रिएक्शन खत्म, कुछ नहीं होगा। अब जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? दो तरह, दैट इज टू पाथवे में कंप्लीट होता है, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो आगे हम इसको बताते हैं आप लोगों को। टू पाथवे हो गया इसका, एक हो गया एनाबॉलिज्म सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म में ये होता है जिसमें किसी चीज का सिंथेसिस होता है, में फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन, टूटता है इसमें। अब सिंथेसिस, ये ब्रेकडाउन। ठीक है,
इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है फोटोसिंथेसिस। आप लोग तो सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जी लेकिन नहीं जी बिल्कुल क्या होता है बताइए। जैसे प्लांट्स अपना फूड को बनाता है हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर के मदद से। ओके वेरी गुड पंकज। ये जो है ना पॉलीफेनोल्स का फोटोसिंथेसिस का बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये क्या करता है फॉर्मेशन करता है क्या सिंथेसिस अपने लिए ग्लूकोज का जो इसे फिर पूरी बॉडी में यूज करना क्योंकि एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस के लिए बेस मतलब माना जाता है मतलब फॉर्मेशन के होगा क्या होगा एनर्जी लेगा देन फॉर्मेशन देगा एनर्जी को पहले लेगा फिर किसी चीज का फॉर्मेशन करेगा देन उस फिर एनर्जी को निकाल भी देगा। दैट इज द बेस्ट फिर आप फोटोसिंथेसिस आप लोग ये जो सनलाइट हमारा प्लांट कंबाइन एनर्जी तो ले लिया सनलाइट से अब प्लांट कंबाइन मतलब CO2 प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2O से कंबाइन हुआ कंबाइन हो गया क्या चीज का फॉर्मेशन किया ग्लूकोज H2O प्लस H2O प्लस O2 प्लस ATP। अब ये जो प्रोसेस में हम समझ सकते हैं कि ये जो सन से तो ये प्लांट एनर्जी ले लिया उसके बाद वाटर और CO2 एयर से कंबाइन होके ये अपना बना लिया मतलब सिंथेसाइज कर लिया ग्लूकोज का दैट इज द टर्म एनाबॉलिज्म। क्या किया ये सिंथेसिस हम बार बार समझा रहे हैं कि इसमें क्या होगा सिंथेसिस होगा फॉर्मेशन होगा दैट इज एनाबॉलिज्म और जिसमें जो अपने एनर्जी यूज करेगा फिर उस एनर्जी को निकाल भी रहा है एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बाद में निकाल भी रहा है That is anabolism. ये है anabolism. अब हम catabolism का बात करते हैं तो वो देखिएगा catabolism किसमें हो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी क्या होगी एनर्जी बाहर निकलेगी इन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा पर वो एनर्जी पूरे बॉडी में हम लोगों का यूज होगा दैट इज द क्या होगा पूरे बॉडी में एनर्जी का यूज होगा इसका कोई एग्जांपल बता सकते जिसमें एनर्जी का रिलीज होता हो। हम अभी कुछ देर पहले ही बता रहे हैं कि भोजन खाए ब्रेक डाउन हुआ से न्यूट्रिएंट्स मिला क्यों न्यूट्रिएंट्स को कुछ फिर हम लोगों ने तोड़ा तोड़ने के बाद क्या हुई एनर्जी रिलीज हुआ तो क्या हुआ
हेलो, अगर संगीता जो आप अपने आप को म्यूट कर लें, आपकी आवाज यहाँ डिस्टर्ब हो रही है। बॉडी को एनर्जी प्रदान करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं तो वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट। इसका ब्रेकडाउन होगा केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी इसमें निकल गई। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। ये किसका प्रोसेस है? कैटाबॉलिज्म का। अब एनाबॉलिज्म आप लोग बोलते हो मैम इतना देर से आप बोल रही कि बना रहा है तोड़ रहा है, बना रहा है तोड़ रहा है, तो यही बनाने और तोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? बनाना प्लस तोड़ना साथ में, इसको कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बनाना निकालना वही बात बोले है कि जो है वो के द्वारा, तो ये जो है एनाबॉलिज्म। तोड़ दिए जैसे न्यूट्रिएंट्स को तोड़े, एनर्जी निकली CO2 प्लस H2O प्लस ATP, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ये हो गया एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म, ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। क्या है वो दोनों प्रोसेस क्या कहलाते हैं? एक का मेटाबॉलिज्म। समझ गए आप लोग यहाँ तक? बोल समझ में आया या नहीं? हाँ समझ गए। ओके वेरी गुड। डायग्राम बनाए थे, देखे थे कि सबसे पहले हमारा लाइफ प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता था? डाइजेशन से। न्यूट्रिशन, वेरी गुड पंकज, न्यूट्रिशन। तो अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे पहले स्टार्ट होना है न्यूट्रिशन, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, तभी तो हमारा न्यूट्रिएंट टूटेगा, तभी तो ग्लूकोज मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? जी जो आप लोग लिख लिख लीजिए वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस Hello।
बताइए, दिख रहा होगा आप लोगों को। बताइए राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? जो हम लोग भोजन इनटेक अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं पूरे बॉडी के लिए, ये किसके द्वारा होता है? एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब हम लोग भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। लाइफ प्रोसेस के लिए तो ये क्या है? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को तो देख लिया आप। मनीषा यस सर, पुनरावृत्ति क्वेश्चन पे जाइए वहां से, उसके बाद गृहकार्य पे जाइए। जितना पढ़ाई है उसका पुनरावृत्ति क्वेश्चन करिए और उसके बाद गृहकार्य कराइए। तो बच्चों आप लोग हमको लाइफ प्रोसेस के बारे में बताइए थोड़ा, जो हम लोग को पढ़ा दिए वही मत। जीवन जीने के लिए जितने प्रोसेस जरूरी है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वेरी गुड मोनी। एंड इस लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं जिससे हमारा बॉडी सस्टेन करता है, हमारे बॉडी को अच्छे से चलाता है, वो क्या 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 प्रोसेस? न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, किसी और भी सर। हाँ वेरी गुड पंकज। अब आप लोग बताएंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन ही था, हम लोग कहेंगे किसे? न्यूट्रिशन आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर लिविंग बीइंग्स। जो आप जब खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, खाना खाते हैं खाने तो जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वही क्या हमारे The phenomena of taking breath is called respiration. आप लोग सब बच्चों को लगता होगा कि breath and respiration एक ही चीज है। लगता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं वही respiration है? No ma'am. Very good. नहीं है ये process. Respiration और breathing अलग-अलग दो अलग-अलग process हैं। रेस्पिरेशन में हमारा एनर्जी रिलीज होता है जो हमारे फिर सर्कुलेशन के द्वारा पूरा बॉडी में जाता है। हम आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे कि इसमें आखिर अंतर क्या है जो अलग अलग है, ठीक है? अभी हम रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन तो यार हम लोगों ने इतना कुछ जाना। अब न्यूट्रिशन को हम लोग सबसे पहले ये तो हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में सिंपल सा चीज, मतलब जो होता क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में जाना। और हम अब जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन से, तो न्यूट्रिशन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ सकें तो हम लोग इसके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन को पढ़ के आइएगा, उसका डायग्राम क्या क्या न्यूट्रिशन के दौरान हम लोगों को जरूरी है, कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सब आप लोग पढ़ करके आएंगे, लोग हैं जुड़े हुए सर, लोग एक फीडबैक दीजिए और निगेटिव फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव नहीं। सर इन्होंने पढ़ाया तो अच्छा लेकिन थोड़ा स्पीड ज्यादा था।
हाँ चलिए मनीषा। यस सर। नोट करिए कहीं सर, मुझे भी लग रहा था सबसे होती है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं है, सबसे कमी होता है, ऐसा थोड़ा ना कोई पेट से सीख गया है बेटा, यही सब लोग सीखते हैं। अभी आज पहला दूसरा दिन है, आप सीख रहे हैं, हो सकता है आगे धीरे धीरे करके उसी में सुधार करना, फिर अच्छा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो स्पीड थोड़ा सा कम। और सर थोड़ा मुझे जहां तक लगा कि बोर्ड पे थोड़ा छोटा ज्यादा लिख रहे, थोड़ा सा और बड़ा लिख सकते हैं तो बढ़िया लगेगा लिखे से। जो फॉन्ट साइज है अपना थोड़ा सा क्या करिए, कोशिश कीजिए, हाँ थोड़ा बड़ा कीजिए, जिससे कि मतलब ये समझ में आए, क्योंकि क्लास होता है उस क्लास में नहीं दिखाई देगा तो पीछे वाला बच्चा तो हल्ला करेगा क्लास में, मैडम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैडम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बोलिए मृदुला मैडम है, मृदुला मैडम आप भी दे सकती हैं फीडबैक। हाँ संगीता कुमारी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए संगीता। मनीषा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन डस्टर जो हाथ में रखी थी आप, उसको जब काम हो जाए तो आप उसको नीचे रख दीजिए, और हाथ में जो आप, हाँ, और हाथ में जो रखी हुई थी आप उसको जब काम हो जाए तो उसके उसके उसको आपको हाथ में, हेलो, हाँ पढ़ाई बहुत अच्छा मनीषा, इसमें कोई दो मत नहीं है, और डस्टर का काम हो जाए तो डस्टर हमेशा हाथ में नहीं रखना है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट लोग बोले, क्या बोलना चाहते हैं? और भाई किसी को कुछ नहीं देना है फीडबैक, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है, अगर कोई फीडबैक नहीं देना चाहते हैं तो मैडम आप फीडबैक दे रही हैं तो मिदला मैम हम लोग को कुछ काम रहेगा तो आगे से जो कंटिन्यूअस क्लास है आप उसको देखिएगा। ठीक मैम, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है मैम, थोड़ा कि इसके आगे का कंटिन्यूअस क्लास आप करवाइएगा। थोड़ा नेटवर्क यहाँ का अच्छा नहीं है, ठीक है, हम देख रहे हैं। ठीक ठीक, ओके मैडम, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कुछ काम से निकल रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यूअस करिएगा बच्चों के साथ। इसमें पूछना चाह रहे थे सर, इसमें सिर्फ साइंस का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है सर? नहीं नहीं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, डीएलएड के भी बच्चे हैं, डीएलएड के भी बच्चे जो है प्रेजेंटेशन के लिए। अगला कोई एक बच्ची बोल करके रखी थी कि उसको क्लास लेना है तो yes, कौन है, रुके बता रहे हैं। नेक्स्ट आइए, कौन है? रीतांजलि। यस सर, रीतांजलि, रीतांजलि है मैम नेक्स्ट। ठीक है मनीषा, आप ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा बोर्डिंग है क्लियरली। थोड़ा थोड़ा और नजदीक लाइए, थोड़ा छोटा है, फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कीजिए। ओके मैम। हाँ, आप बोर्डिंग करने के बाद फॉन्ट थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा लग रहा है, ऐसे दिख रहा है ठीक, लेकिन फॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए। मैम अब ठीक है? हाँ ठीक है।
ठीक है स्टार्ट ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैक्रो रिलेशन प्लान का क्लास होने जा रहा है, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आज मैक्रो रिलेशन प्लान का क्लास होने जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करा रही हूँ, मैं डांसिंग हूँ, क्लास बीएड है और स्टूडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ओके तो मैं क्लास स्टार्ट, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि मैं फिजिकल क्लासेस से मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, लाइक मनी मार्केट, फिर परचेज एंड सेल, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड एटसेट्रा। तो आज भी मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, इसका नाम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आया तो निर्यात। ओके बस नेटवर्क नहीं है क्या, आपका वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो क्या नहीं आ रहा है? मेरे पास तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? मेरे अभी आ रहा है जी, पर रुक रुक के आता है। रुक रुक के आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी, नेटवर्क के कारण थोड़ा रुक रुक के आता है, बाकी सही। ओके तो मुझसे ज्यादा नेटवर्क तो क्लियर नहीं हो सकता, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ का। ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन राइज करूंगी ताकि क्लियर कर सकूं कि आप लोगों को कितना इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज है, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कुछ विकसित देशों के नाम बताइए, कोई भी बताइए, कुछ विकसित देशों के नाम। क्या पूछे? विकसित देशों के नाम बताइए। विकसित देश अमेरिका, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूएसए, जापान। विकासशील देश, विकासशील देश, प्रमुख उद्योग, जैसे कि हमारा इंडिया, हमारे देश का जो प्रमुख उद्योग है, जैसे इनकम होता है हमारे को, हमारे को कृषि इनकम होता है, कौन सा उद्योग? कृषि। और दूसरा है वस्त्र उद्योग, आपको पता है ना? एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजा जाता है या फिर दूसरे देश की वस्तुओं को या फिर प्रोडक्शन को या किसी उत्पाद को हमारे देश में मंगाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? कोई बता सकता है? एनीवन? दूसरे देश से अगर किसी वस्तु को मंगवाया जाता है तो ये क्रिया आयात कहलाएगी। हमारे देश में दूसरे देश से वस्तु भेजा जाएगा तो ये क्रिया निर्यात कहलाएगी। गीतांजलि, तो जैसा कि मैंने, यस मैम, हाँ आप अपना रोल नंबर बोलिए, सब्जेक्ट बोलिए। मैं सब्जेक्ट है कॉमर्स, रोल नंबर 18। रोल नंबर 18 है, सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स है मैम, मैथ्स के तो ठीक है, कॉमर्स ठीक है, पढ़ाइए ठीक है, पढ़ाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इन चीजों
होता है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। तो सिर्फ एक चीज पूछ रहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किन के अंदर आता है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ थोड़ा थोड़ा कट के आ रहा है। नहीं क्लियर नहीं आ रहा है गीतांजलि। बच्चों से पूछिए मोना मोनी आवाज आ रहा है तुम लोग को क्लियर? नो मैम पता ही नहीं चल रहा क्या। नो मैम वही तो पता नहीं चल रहा है तो कैसे पता चलेगा कैसा पढ़ा रही है। इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। मैम हम लोग सुन ही नहीं पा रहे। हम भी नहीं सुन पा रहे हैं। वीडियो तो आ ही नहीं रहा है मेरे में। मैम कुछ अब पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है वीडियो भी नहीं आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन ऑब्जर्वेशन फीडबैक सब कैसे होगा। पॉसिबल नहीं है मैम इस कंडीशन में। बेचारी का लगता है नेटवर्क सही नहीं है। क्या करना है आप लोग? स्टार्टिंग नेटवर्क सही रहा था स्टार्ट में ठीक था कुछ देर। स्टार्टिंग सही था मेरा स्टार्टिंग में लेकिन स्टार्टिंग स्टूडेंट्स में बोले कि नहीं बोले इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गई थी तो मैं बोल रहा था। हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें आपकी गलती नहीं है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकती हैं आपने प्रयास किया। हेलो बोलिए मैम। हाँ हेलो बोलिए। आवाज क्लियर नहीं है आपकी गीतांजलि। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वीडियो भी ना ऑडियो है ना विजुअल है दोनों नहीं है। नहीं आ रही बाबू आपकी आवाज। हाँ हेलो अब बोलिए। मैं बोल रही थी ना कल मैं फर्स्ट में क्लास कर लूं क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा नेटवर्क सही रहता है। कर लीजिएगा कल ठीक है। दे दीजिएगा फिर से लिख करके अपने प्रेजेंटेशन का ठीक है। नेक्स्ट कौन आएंगे बताइए। नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट कौन है। हेलो हेलो
यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, पूजा मैम। हाँ पूजा, कौन करेगा, आप कीजिएगा? यस मैम, कोई नहीं आवाज दे रहा तो मैं ही कर लेती हूँ। हाँ हाँ कर लीजिए कर लीजिए। कितने बजे तक चलेगा पूजा आप लोग का? पता नहीं मैम, मैम बोर्ड दिख रही है? हाँ थोड़ा सा और इधर कीजिए इसको, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा और दिखाइए। हाँ दिख रही है मैम थोड़ा? हाँ हाँ अब दिख रही। ओके और लोगों से पूछिए। मोनी 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 पूजा दिख रही है? ओके 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 ठीक है। पूजा रोल नंबर बताइएगा। मैम 65। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बायोलॉजी मैम। ठीक है पढ़ाइए। ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक है। ओके सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे जो घर बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? ईंटों से। वेरी गुड, ईंटों से बने हुए हैं। तो हमारे जो घर बने हुए ईंटों से बने हुए हैं, तो बता सकते हैं कि हमारे जो बॉडी का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, किन से मिलके हुआ है? सेल्स। वेरी गुड, सेल से हुए हैं। ठीक है, कोई बता सकते हैं कि सेल क्या होते हैं? सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल is the structural and functional unit of life. ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारे ये जो सेल है, चलिए बता दिए कि हमारे बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है, तो बता सकते हैं कि सेल किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? स्टूडेंट्स मेनली जो सेल होते हैं, हम सेल का पूरा अंदर नहीं, कुछ बता सकते हैं कि सेल किन किन चीजों से मिलके बने होते हैं? मेनली सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, हमारे जो सेल होता है, सबसे पहले तो मैं सेल छोटा सा रफली डायग्राम में आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि हमारा सेल जो होता है वो कैसा होता है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसको हम, और ये ऐसे इसमें ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। वेरी गुड, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। वेरी गुड, अब हम थोड़ा सा एक बताना चाहेंगे। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? मैंने ये सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के लिए पूछा था। आज जो मेरा टॉपिक मतलब कि ये होगा, तो ये बता सकते हैं जैसे कि अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, आप लोग को मिक्सचर पसंद है, जो खाने वाला मिक्सचर होता है? ओके तो क्या आप उस मिक्सचर में क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड होते हैं मिक्सचर में? क्या क्या? हाँ, पल्सेस और करी लिप्स। यस, पल्सेस होते हैं, करी लिप्स होते हैं और नट्स होते हैं। वेरी गुड, तो इसी तरह से आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट्स
ये तो ये सब जितने भी सारे चीज होते हैं और भी चीजें मिलके, ये तो हम लोग जनरली ये ऊपर से लिए तो और भी चीजें मिलके क्या करते हैं, वो मिक्सचर का जो होता है टेस्ट को उसको बढ़ाते हैं, मींस उसको इंक्रीज करते हैं, राइट? वेरी गुड। तो इसी तरह से बता सकते हैं कि हमारे जो सेल होते हैं, अभी जिस जो हम सेल का जो स्ट्रक्चर बताए थे, तो हमारे जो सेल होते हैं उसमें जो जो हमारे जो सेल के जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं या सेल के जो मेन प्रॉपर्टीज करते हैं वो किनके द्वारा होते हैं, हमारे सेल में जितने भी सारे के प्रक्रिया होते हैं या हमारे जो सेल के अंदर जितने भी सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं उन सबको बता सकते हैं कि वो क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। वेरी गुड मनीषा, पार्ट्स ऑफ सेल तो आपने बता दिया, लेकिन जो सेल के अंदर जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी सारे काम होते हैं वो किनके द्वारा होते हैं, जैसे कि मिक्सचर में जितने भी सारे ग्रेडियंट्स थे ना, जितने भी सारे कंस्टिट्यूएंट मिलके मिक्सचर को एक टेस्ट बनाया, उसी तरह से कितने सारे इसमें प्रॉपर्टीज आएंगे सेल्स में जो सेल को क्या करेंगे, उसका हेल्प करेंगे, उसका प्रॉपर्टी में मदद करेंगे। न्यूक्लियस, वेरी गुड। साइटोप्लाज्म सेल में मतलब साइटोप्लाज्म, यस, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, वेरी गुड। तो जितने आज हम लोग किस चीज की जानकारी लेंगे, जितने भी हमारे सेल होते हैं उसके जितने भी वर्क होते हैं हमारे सेल में जिसके द्वारा होता है, आज हम उन लोग की स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है स्टूडेंट? सेल ऑर्गेनेल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कोई बता सकते हैं हमको कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स क्या मतलब होनी एग्जांपल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे जितने भी क्या होते हैं, जो हमारे जो क्या होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, हैव विदिन देम आर a different structure, them a variety of different structure, variety of different structure is called cell organelles। दिख रही है स्टूडेंट आप लोग को राइटिंग? स्टूडेंट्स आप लोग को दिख रही है? यस मैम। तो हमारे जितने भी ऑल जो जितने भी सारे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो हमारे और हम आगे चलते हैं, इसका और भी हम थोड़ा सा डिफिनेशन समझाते हैं, बताते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा उससे। तो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और ये वर्क किससे करते हैं? ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, हमारे छोटे होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे तरीके फंक्शन बहुत हमारे बॉडी मीन्स बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में ये हमारे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे जो प्लांट सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन एनिमल सेल। ठीक
अंदर जो है हमारे जो प्लांट सेल जो होते हैं उसके पास कुछ कुछ अलग स्ट्रक्चर होते हैं किसके अपेक्षा, एनिमल सेल के अपेक्षा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग सुन रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही आवाज। तो हाँ आप समझ रहे हैं, जो हम क्या बोले कि प्लांट सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन एनिमल सेल। आप लोग को पता है ना कि प्लांट सेल एनिमल सेल क्या होते हैं, तो हमारे प्लांट सेल के पास क्या होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं किसके अपेक्षा, एनिमल सेल के अपेक्षा। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद हम सबका फंक्शन देखेंगे एक एक करके। ठीक है पहले हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम को देखिए अच्छे से, और अगर आप लोग चाहे तो इसको अपने कॉपी में भी आप लोग उतार सकते हैं, बना सकते हैं इस डायग्राम को। ये मैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ अभी। ये हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है आप लोग भी काट कर रख करके हटा दिए बाहर वाला डस्टबिन सूखा अंदर वाला गिल्ला। तो मेरा मार्कर भी काम नहीं कर रहा। स्टूडेंट अब इसका हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, अब इसका हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है इसमें हमारा मेन जो कंपोनेंट, ये हमारा जो फर्स्ट होता है वो हमारा सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा से। यस
वेरी गुड पंकज, सेल मेम्ब्रेन या फिर आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या ये जो हमारा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक जिसको रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है, इसमें इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एनवेलप। और ये हमारा वैक्यूल होता है, वैक्यूल। ये गॉल्गी बॉडी होता है, या गॉल्गी, गॉल्गी बॉडी को गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी अपरेटस भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। अश्विन, आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही है? जी। और ये हमारा, एक हम इधर कर दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा है तो हम इधर कर दे रहे हैं। ये हमारा राइबोसोम होता है, इधर दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है, दिखी। ये राइबोसोम और ये हमारा लाइसोसोम है। अब सबका हम एक एक करके फंक्शन जानेंगे, इतने सारे जितने भी और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अभी मैंने जनरली इतना लिया है। तो अब ये सारे का हम फंक्शन देखेंगे कि कौन क्या वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आप लोग को दिख रही है ना? जी जी। ये इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस का क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो होता है वो द ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स ये न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो फोन आ गया था, वो थोड़ा इसलिए बंद हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है? ये जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं? इसका ब्रेन्स कहते हैं। सेल को, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सेल का ब्रेन, सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। और इसको हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? न्यूक्लियस को, ठीक है। और इसका क्या वर्क होता है न्यूक्लियस का, कोई बता सकते हैं? ये सारे ऑर्गेनेल को ये कंट्रोल करता है ना, आप ही बताएं। बिल्कुल, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, जितना भी ये जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, जितने भी इन लोगों का जितना भी वर्क होता है वो सारा, जितना भी देख रहे कि किसको क्या कैसे मेंटेन करना, वो सारा चीज न्यूक्लियस के थ्रू होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस का क्या एक और होता है, ये तो डायरेक्टली, ये तो न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्ट तो करता ही है सेल को। और दूसरी बात, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल्स को भी ये यहाँ पे सेपरेट करता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं जिसको क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? डीएनए, आरएनए। जी वेरी गुड, हाँ बिल्कुल मनीषा, आपने सही बोला है कि डीएनए और आरएनए होते हैं। तो कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रोमोसोम, कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये किससे बने होते हैं क्रोमोसोम? डीएनए और आरएनए। क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ ये समझ में आया आप लोगों को न्यूक्लियस का वर्क, कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? क्लियर है ये चीजें? जी मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कहाँ चलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेबलिंग में, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ अब, या तो हम सेल वाले या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, कोई बता सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत? ये मतलब होता है और
मतलब सिलेक्टिवली सब्सटेंस को अंदर आने देता और बाहर भी जाने देता। वेरी गुड मनीषा, आपने बोला कि ये परमीएबल मेम्ब्रेन होता है तो ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, तो आप बता सकते हैं कि सिलेक्टिव चीजें क्या होती हैं जिसको अंदर और बाहर आने जाने देती हैं ये? मनीषा, प्रोटीन, फैट, लिपिड। ओके मनीषा, मैं बताती हूँ। ये जो सेलेक्टिव चीजें होती हैं जिनको जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल के अंदर बाहर या अंदर आने जाने देती हैं, वो हमारा होता है CO2 और क्या होता है O2। CO2 O2। यस, तो हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा ये एनिमल सेल है तो हमारा एनिमल सेल क्या करेगा, O2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और CO2 को क्या करेगा, इनहेल करेगा। ठीक है, इनहेल करेगा। यस, तो ये CO2 को ये एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या करेगा, सॉरी CO2 को नहीं, O2 को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और CO2 को ये बाहर करेगा। ठीक है, और अगर यही अगर प्लांट सेल में होता तो क्या करता मनीषा, CO2 को वो बाहर करता, O2 को इजॉर्ब। वेरी गुड, CO2 को ग्रहण कर दिया और O2 को बाहर करता। हाँ, O2 को बाहर करता, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है और बाहर, सॉरी अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ये समझ में आ गया, ये सेल वॉल के लिए क्लियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या इसका वर्क होता है? जी जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। हम बीच में जो स्ट्रक्चर बताए थे ना, ये रफली डायग्राम जो बनाए थे और ये बीच में हम न्यूक्लियस रखे थे और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर जितने भी ग्रेडियंट्स है वो सब हमारे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम है, गॉल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, ये जितने हैं वो सारे हमारे इसमें, वो सारे हमारे कहाँ होते हैं, ये बीच वाले जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये सब सारे, ये सब। ठीक है बेटा, बाहर जाइए, तो ये सब सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ये एक जेली लाइक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स? यस मैम, यस यस। जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक लिक्विड होता है जिसमें जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स जो आपको दिख रहे हैं उसको क्या करता है, ये स्टोर करके, मीन्स उसमें ये तैरते रहते हैं, जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको ये मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में कहते हैं जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स है उसको कंट्रोल या उसको वहां पे ये स्टोर करके रहते हैं। साइटोप्लाज्म के लिए भी आप लोग क्लियर हुए हैं ये स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म के बारे में क्लियर हुआ कि साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है? मैम ये क्या है, स्टोर करके रखता है? जितने भी सारे हमारे ऑर्गेनेल्स है ना साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, गॉल्गी बॉडी, जितने सारे हैं वो सबको एक ढांचा, जैसे कि देखते हम लोग घर में रहते हैं तो मान लो कि ये दीवार जो वो हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ, और जो हम लोग बीच में जा रह रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनेल्स हुआ, और अगर बीच में अगर हम कोई चीज, अगर सपोज दैट अगर हम टेबल रख दे तो वो सेंटर हो गया, तो वो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो उसके जितने भी किनारे जो चीज होते हैं उसको, जितने भी सारे इनग्रीडियंट, जैसे कि रूम में क्या रहता है, हमारा पंखा रहता है और टेबल रहते हैं, बहुत सारे लाइट होते हैं, बहुत सारे जितने भी सारे होते हैं टेबल कुर्सी, वो सब जितने भी, अगर मान के चलो हम एग्जांपल बता रहे हैं, तो जितने सारे हमारे घर के जो मतलब कि घर में ही होते हैं, लेकिन जितने सारे अगल बगल होते हैं वो सारे को ये, जैसे कि एक हो रहा है ना स्टोर करके रखा है, ये क्लोज करके रखता है। क्या मतलब क्लोज करके रखता है, मतलब उसको एक जगह पे सेपरेट करके रखता है? सेपरेट करके रखता है, मतलब मेरा वही कहने का मतलब था, स्टोर करके रखना या सेपरेट करके रखना अपने दायरे में। ठीक है, ओके मैम, ओके। आप लोगों को साइटोप्लाज्म के बारे में भी क्लियर हो गए हैं? जी, यस मैम, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किसके बारे में? अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। आप बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना एनर्जी, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सारे मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गेन है उसको। Yes, ये क्या करते हैं, ये तो एक ऑर्गेनेल्स होता है और ये क्या करता है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा एक वर्क करता है, जो क्या करता है हमारे ये क्या करते हैं हमारे विच टेक्स प्लेस न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेक देम डाउन एंड क्रिएट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल
मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। ये पहले तो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं है फूड को तो ब्रेक डाउन तो लाइसोसोम करता है, लेकिन वहां से जो इंग्रेडिएंट्स बोले ना, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसा वर्क करता है, वहां से ये फूड को ब्रेक डाउन करके और जितने भी इससे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होते हैं उसको सारे सेल मॉलिक्यूल्स के पास, इसको सेल के पास पहुंचाने का काम किसका करता है, स्टोर करने का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्लियर हुए हैं आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क होता है? जी। ओके, अब हम नेक्स्ट हम राइबोसोम का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, राइबोसोम का, ठीक है। दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, फॉर्मेशन करता है मैम। हाँ, प्रोटीन का ये फॉर्मेशन करता है, कौन, राइबोसोम। ओके, यस मैम। ओके, ये राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी सेल्स एक्टिविटी, जितने भी सेल में जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे जितने भी काम होते हैं, और उसको फिर से जैसे कि काम करने के साथ साथ कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए जो चाहिए वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये इसका प्रोड्यूस कौन करता है, राइबोसोम के थ्रू द्वारा होता है, ठीक है। समझ में आया कि सेल का क्या वर्क, सॉरी राइबोसोम का क्या वर्क होता है, राइबोसोम होता है वो प्रोटीन इसको, और एक बात और, इसको राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, ये इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है राइबोसोम को। ये इसका क्या फंक्शन होता है, सेल जैसे कि ये सब जितने भी हमारे जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स जो वर्क कर रहे हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, गॉल्गी, जितने भी सारे ये वर्क कर रहे हैं, वो सब वर्क करने के साथ हम ही लोग वर्क करते हैं, तो कुछ हम लोग होते हैं ना डैमेज हो जाते हैं, थक हो जाते हैं, मींस थक जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ हम लोग खाते हैं तब तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, या तो फिर हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए थक जाते हैं तब उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खाना पीना खाते हैं तब तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, हम लोग काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब सेल जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, सॉरी सेल नहीं, सेल ऑर्गेनाइज जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, या सेल में जितने भी सारे ग्रेडियंट्स है जो वर्क करता है, वो काम करते करते अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा राइबोसोम करता है, ठीक है। तो सारे सेल को, सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। और राइबोसोम इसको तो बोले ही कि इसको फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कहा जाता है। अब राइबोसोम के बारे में, यस मैम जी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं गॉल्गी अपरेटस। ओके, जिसको यहाँ है गॉल्गी अपरेटस, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रही है स्टूडेंट्स? यस मैम, यस। ये जो हमारा है वो गॉल्गी अपरेटस है, ठीक है, इसको गॉल्गी अपरेटस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है बता सकते हैं? एक तो गॉल्गी अपरेटस तो है, इसका दूसरा नाम बता सकते हैं क्या? गॉल्जी बॉडी नहीं कहते, लेकिन एक और नेम है जो हम भूल गए। कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल सही बोल रही हो तुम मनीषा, एक गॉल्गी अपरेटस कहते हैं, गॉल्गी बॉडी कहते हैं, ठीक है, या जो भी बोलो, इसको दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका क्या वर्क होता है, कोई बता सकते हैं कि ये, मनीषा तुम बताओ कि गॉल्गी बॉडी का क्या वर्क होता है? मैम याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती, ये जो क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है उसका क्या करता है, इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, बताया था ना कि राइबोसोम जो सिक्रेट करता है प्रोटीन को, वो जितने भी सारे प्रोटीन का सिक्रेशन होता है वो पैकेज बना के बंडल करता है ना, बिल्कुल, ये यहाँ पे पैकेट इसका बनता है, जितने भी हमारे प्रोटीन का जो सिक्रेशन होता है वो सारे को यहाँ पे पैकेज बनाता है, जैसे पैकेट हम लोग जैसे प्रसाद बनाते हैं ना, तो उसको पैकेट में कर करके रखते हैं ना, हाँ, उसी तरह से हमारा ये जो गॉल्गी अपरेटस होता है वो भी क्या करता है, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन का भी सिक्रेशन करता है और ये पैकेजिंग करता है किसका, प्रोटीन का। ओके, और ये जो हमारा प्रोटीन है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, और तो बता सकते हैं कि ये जो प्रोटीन का सिक्रेशन ये कहाँ से करता होगा गॉल्गी बॉडी? राइबोसोम से। किससे पंकज? राइबोसोम। राइबोसोम पंकज।
तो हमारे जो यस तो प्रोटीन का जो ये सिक्रीशन करता है वो हमारा राइबोसोम से करता है। यहाँ दिख रहा है ना आपको ये छोटा छोटा, ये जो दिख रहा है छोटा छोटा पार्ट, तो ये कहाँ पे राइबोसोम से प्रोटीन सिक्रीशन करता है। ठीक है ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लाइसोसोम पे। ओके कहाँ लाइसोसोम पे ठीक है। लाइसोसोम के बारे में बताइए, किसी को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन में हेल्प करती है ओके। तो ये क्या करती है, ये क्या करता है? हाँ वेरी गुड, बोलो मनीषा। एंजाइम के द्वारा मतलब मटेरियल्स को तोड़ती, मतलब फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करती। यस, जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास होता है। और ये क्या करते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं, ब्रेक फूड डाउन। ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ये समझ में आया कि इसके पास एक डाइजेस्टिव मतलब लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होती, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, और ये किसमें हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में। जी फूड को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम से क्या बोला जाता है, मनीषा बता सकती है, या कोई भी जिनको भी पता हो लाइसोसोम को एक और नाम सुसाइडल ड्रग, आत्महत्या की थैली। वेरी गुड वेरी गुड मनीषा, आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग। तो बता सकते हैं मनीषा कि इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? नो मैम, मतलब डिस्ट्रॉय लेता सेल्फ हो जाता है क्या? मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। ओके तुम भी सही जा रहे हो पंकज, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता, जैसे ये जो सेल है ठीक है, इसके पास क्या डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं। अब डाइजेस्टिव इंजाइम करते, जैसे कि हम लोग ही कभी कभी जैसे होता है ना कि, तो ये डाइजेस्टिव इंजाइम तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, किसमें, इसमें। तो रिएक्शंस होने के दौरान क्या होता है कि ये अपने आप में ब्रस्ट कर जाता है, कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं रिएक्शन होने के कारण ये अपने आप में ब्रस्ट कर जाते हैं, और ये क्या करते हैं अपने ही सेल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा जाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं वो डिस्ट्रॉयड कर देता है ये अपने ही सेल को, कौन, लाइसोसोम। ठीक है जी, समझ में आया कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण से ये क्या करता है, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, और ब्रस्ट होने के बाद क्या करता है, ये अपने ही सेल, ये जितने अपने ही सेल है लाइसोसोम के, अपने ही सेल को ये क्या करते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ओके मैम, एक क्वेश्चन है। ओके यस यस बताइए मनीषा। जब ये अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता होता है तो फिर ये न्यू क्रिएट करता होगा ना, मतलब फिर से? हाँ नहीं नहीं, ये जब डिस्ट्रॉयड हो जाता है मतलब कि इसका, जैसे कि ये जो सेल है ये तो पूरा अपने आप को ये, हाँ क्रिएट करता होगा, ऐसा बात नहीं है, क्रिएट करता है मनीषा। हाँ तो क्रिएट करता होगा तभी तो मतलब फिर से वो डाइजेस्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है ना कि एक दिन में हमारे सेल अगर जितने भी होते हैं वो कितने दुगुने, जैसे अगर दो मरा तो उसके दुगुने तीन गुने सेल्स जो, तो क्या होते हैं, प्रोड्यूस और होते हैं, ये पता है ना? यस मैम यस। हाँ तो उसी हिसाब से अगर, जैसे कि होता है ना कि एक पूरे समुद्र से अगर आप एक लोटा पानी निकाल लो तो वो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से सेल्स में अगर एक सेल्स अगर दो सेल्स चला गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें और बहुत सारे सेल्स होते हैं, अगर दो मरा तो वहां कम से कम नहीं भी तो 10 सेल्स पहले से प्रोड्यूस होके रेडी रहते हैं। ठीक है मनीषा ओके। ऐसा एक मिनट पूछना चाह रहे थे। यस पूछिए पंकज। ये जो लाइसोसोम के बारे में बताए थे, लाइसोसोम जो डिस्ट्रॉय होता होगा तो ऐसा नहीं ना कि एक ही होता होगा, और भी सारे लाइसोसोम में वहाँ प्रेजेंट होंगे? जी हाँ बिल्कुल, अरे ये तो हम बस एक दिखाए, यहाँ तो पूरे सेल्स में बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। जी इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर एक डिस्ट्रॉय होता है तो अदर से वर्क होता होगा। हाँ जैसे कि देखो, अगर जैसे होता है ना हमारे पूरा बॉडी है, तो पूरा बॉडी में अगर एक चीज इन्फेक्शन कर गया तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा बॉडी डिस्ट्रॉयड हो जाए, कुछ और भी वर्क, कुछ और बॉडी भी सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल, तो वही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को दिख रही है ये जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जो गया हुआ है? यस मैम। हाँ उसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका बताइए, इसका फंक्शन किन्हीं को अगर पता हो तो, ये क्या वर्क करते हैं सेल में?
नो आइडिया मैम. देखिए ओके ये क्या वर्क करते हैं, सेल में जितने भी सारे वर्क हुए हैं, जितने भी सारे जैसे प्रोटीन सिक्रीशन हुआ है, पैकेजिंग हुआ है, जितने भी पावर हाउस होते हैं, ये फूड जो हमारा यहाँ से मिला है वो सारे को ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है. इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन. यस, ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस में या पूरे सेल में क्या करता है, ये इसका ट्रांसपोर्टिंग का वर्क होता है. किसका, एंडोप्लाज्मिक, मतलब कि सेल के चारों तरफ जितने भी सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे न्यूक्लियस में इसका जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टिंग होता है. ठीक है, और ओके मनीषा, ये समझ में आया आप लोगों को? मनीषा पंकज जो भी हैं आप लोग, मैं तो यहाँ नाम नहीं देख पा रही. आ गया समझ में, ये आ गया. ओके ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टिंग का होता है. इसको एक इसको इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. ये तो न्यूक्लियस बताते हैं. ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये बस न्यूक्लियस के ऊपर एक इनवेलप होता है जिसको न्यूक्लियस को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने में वर्क हेल्प करता है. ठीक है, कवर किया रहता है. क्योंकि हमारा बॉडी है तो उसके ऊपर स्किन है तो वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के जितने भी सारे मसल्स हैं, बोन है, जितने भी सारे उसको प्रोटेक्ट करता है. उसी तरह से न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. यस मनीषा, हाँ मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. अब क्या बच गया है, अब हमारा लास्ट बच गया है वैक्यूल. क्या बच गया है, वैक्यूल. वैक्यूल के बारे में बताइए किन्हीं को कुछ आइडिया हो तो. वैक्यूल के बारे में नहीं पता है हम लोग को. नहीं आ रहा है मैम, सॉरी मैम, थोड़ा बच्चा लोग आ गया था उसके कारण से डिस्टर्ब हो गए थे मैम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Okay. चलो होता है घर में सब. यस मैम, थोड़ा बहुत है, बहुत बदमाशी करता है बच्चा. ओके नेक्स्ट जो मेरा है वो वैक्यूल के बारे में बताइए. वैक्यूल के बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो? नहीं पता. मनीषा आप बताइए. नहीं पता. ओके वैक्यूल का, वैक्यूल का क्या वर्क होता है, जैसे कि हम ये वैक्यूल का वर्क क्या होता है, यूज्ड फॉर स्टोरेज. ठीक है, ये स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. और इसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, फूड, शुगर. ठीक है, इसमें जितने भी, और इसमें वेस्ट मटेरियल भी, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी स्टोर होके रहते हैं. किसमें, वैक्यूल्स में. वाटर, फूड, जितने भी सारे होते हैं वो इसका स्टोर करके रखने में मदद करता है. कौन, वैक्यूल. ठीक है, हेलो. यस मैम. ओके, तो ये वैक्यूल का वर्क होता है यही स्टोर करने में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट. ये पूरा समझ में आया है मनीषा, जो भी हो मनीषा पंकज आप ही दोनों आंसर दे रहे तो आप ही दोनों से हम पूछेंगे. ये समझ में आया जितना भी स्ट्रक्चर हम बताए सो? जी बिल्कुल समझ में आ गया. ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं. इसको इरेज कर लेते हैं पहले. अच्छा अब हम देखेंगे कुछ, अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में. क्या देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखेंगे. सबसे पहले तो हमको तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाना होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं. तो थोड़ा सा मैं प्लांट सेल का तो स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही लियो, मैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जल्दी से बना के मैं समझाने का कोशिश करती हूँ. ठीक है, प्लांट सेल का पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी जी. ओके, तो मैं एनिमल सेल करना पड़ेगा. अभी जो बनाया तो एनिमल सेल था ना? यस, वो एनिमल सेल वो हम लोग के बॉडी से, मींस हम लोग का, मींस एनिमल सेल मींस हम लोग आते हैं उसमें, तो वो हम लोग का सेल ये जिसकी जानकारी ले लेते हैं. अब हम थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में जानकारी लेते हैं. ठीक है, प्लांट सेल में भी बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल में, बाकी सारे चीजें कॉमन ही होते हैं.
तो हम प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बना रहे हैं कोई बता सकते हैं? अभी मैंने क्या बोला? प्लांट सेल। यस, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई थिंक ये लगता है मेरा मार्कर हमको धोखा दे रहा है। हो जाएगा अब तब तक बनाइए। ओके, मैं रफली बना रही हूँ प्लांट सेल का। स्टूडेंट, अब मैं बना रही हूँ इसके अंदर का जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स है उसको मैं ले रही हूँ। लगभग सेम ही होता है प्लांट्स और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो उसमें अब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती हैं, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ये क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, वो भी मैं बना दे रही। हेलो मिलिसा, टाइम भी देखिएगा, 45 मिनट्स है आपके पास। यस मैम, यस मैम, नो दैट मैम, होमवर्क भी करना है उन लोगों को, रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछने हैं। बस इसको ये करके डिस्क्राइब करके मैं एंड करती हूँ मैम। हाँ हाँ, ओके मैम। इसके अंदर का हम ये इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं। ओ गॉड मैम, मेरा मार्कर भी आज धोखा अम्मी को दे रहा है मैम। इसका लेवलिंग कर देते हैं। ये हमारा बता सकते हैं कि प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होता है? इसका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका सबसे पहले उसका नाम सेल वॉल। यस 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 मनीषा, बहुत अच्छा बोली है, सेल वॉल, सेल वॉल। और इसके अंदर का
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट। इसको वैक्यूल कहते हैं, VACUOLE। इसको तो न्यूक्लियस कहते हैं, ये तो हम लोग एनिमल सेल में भी देखे थे, NUCLEUS। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया। इसको गॉल्गी गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी एपरेटस, GOLGIVODY ठीक है। इसको साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM साइटोप्लाज्म। और अब तो जगह नहीं बच, ये रेटिकुलम है ठीक है। हाँ हेलो, यस मैम। हाँ हो गया, यस मैम। बस दो, बस पांच, थोड़ा सा बस हम डिस्क्राइब करें इसका, बस कुछ चीजों को, दो या तीन पार्ट को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, ज्यादा नहीं करना चाहूंगी। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे फर्स्ट, हमने वो सब तो बहुत कुछ देखा है, सबसे पहले हम सेल वाल का बात करते हैं, क्योंकि सेल वाल हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे। तो बता सकते हैं सर, सेल वाल का क्या फंक्शन होता है? ये रिजिडिटी बनाए रखता है, मतलब कठोरता। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही आप बोली मनीषा। जैसे ये हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वाल ये रिजिडिटी बनाए रखता है, उसका शेप स्ट्रक्चर को वो सही करके रखता है, ये मतलब कठोरता बनाए रखता है प्लांट सेल में, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल सेल में था? नहीं, वेरी गुड। हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं था, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताइए, कोई किन्हीं को पता हो तो कुछ? नहीं पता मुझे। पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, जो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ, क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में फंक्शन करने में, मतलब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करने में जो वर्क होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, फिर ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसमें एक और चीज होता है मनीषा, वो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, ठीक है। आप एक चीज और बता सकते हैं कि उसमें वो पिगमेंट जो ग्रीन होता है वो किसके कारण से, वो जो कलर होता है वो किसके कारण से होता है, बता सकती हैं? जैसे कि वो ग्रीन पिगमेंट होती है, तो वो कलर जो ग्रीन होती है वो किसके कारण से होती है लीफ में, वो बता सकती हैं मनीषा या पंकज? जी बता, क्लोरोफिल के द्वारा, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल में, प्लास्टिड्स भी होते हैं वो हमारे क्लोरो मीन्स क्लोरोप्लास्ट को आप प्लास्टिड्स के भी ये में देख सकते हैं, तो प्लास्टिड्स के कारण भी हमारा जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो प्लास्टिड्स के कारण भी होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन पिगमेंट प्लास्टिड टू गिव ग्रीन कलर टू प्लांट, ओके ठीक है। प्लास्टिड होते हैं वो ग्रीन प्लांट इसको मतलब की सहायता करते हैं इसको प्रदान करने में, किसको? लीफ को, ठीक है मनीषा? ओके, तो आप लोगों को आप और भी जितने सारे हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी सारे हैं वो सब के बारे में तो मैंने एनिमल सेल में ही बता चुका है, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा आप लोग से, और प्लांट सेल एनिमल सेल का क्या होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है सबका, दोनों का अलग अलग होता है। जैसे प्लांट सेल आर वेरी वेरी इन सेवरल फंडामेंटल फैक्टर्स विच ट्रू न्यूक्लियस अलोंग विद द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल, ठीक है। और एनिमल सेल में, अच्छा एक चीज और बताइए कि हमारा जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो शेप होता है वो बता सकती है कि क्या क्या होता है दोनों का शेप? बस सेप का नाम से बता दीजिए कि एनिमल सेल का सेप कैसा होता है, उसको क्या नाम बोला जाता है, और प्लांट सेल का क्या बोला जाता है? एनिमल सेल का शायद रेक्टेंगुलर होता है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल मनीषा, इसका हेक्सागोनल नहीं, एनिमल सेल का रेक्टेंगुलर होता है, नहीं रेक्टेंगुलर हो सकता है, नहीं अब ओके मैं बता देती हूँ बस एक वर्ड में, जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, और एनिमल सेल का होता है वो राउंड में होता है, ठीक है,
जी ओके ओके अब मैं कुछ ओके अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं चेक करना चाहती हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स एंड गिव टू एग्जांपल्स व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स एंड गिव टू एग्जांपल्स सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और उसके सिर्फ दो एग्जांपल बताइए कोई भी ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल वेरी गुड और इसका दो एग्जांपल बता सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी जी बिल्कुल बिल्कुल सही मनीषा बिल्कुल आपने सही बताया चलिए पंकज अब आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री फिर से पूछिए व्हाई आर द राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और ये और भी जो ऑर्गेनिन होते हैं उनको क्या रिपेयरिंग करता है जिसके कारण प्रोटीन के कारण होता है और प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको बिल्कुल सही बोले आप पंकज की राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल किन्हीं को भी पता हो कोई भी आंसर दे सकते हैं सेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल वेरी गुड वेरी गुड वैक्यूल इज बिग इन प्लांट सेल बट और एक ही वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं बिल्कुल सर ओके ठीक है तो आप लोग का जो घर का जो होमवर्क है वो आप लोग बना के लाइएगा मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आप लोग को draw the diagram of plant cell and animal cell, ठीक है and saw their function, saw their differences. Plant cell और animal cell का दोनों का आप लोग diagram बनाइएगा एक साथ और दोनों में differences जो होता है वो आप लोग प्लीज उसका homework बना के दिखाइएगा दोनों का labeling एक साथ होना चाहिए ओके okay? आप लोगों को homework समझ में आई कि मैंने homework क्या दिया जी बिल्कुल प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम बनाना और दोनों का लेबलिंग करना मीन्स डिफरेंसेस क्या है वो शो करना वहां पे ठीक है तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा किस किस की चीज के बारे में स्टडी की पहले तो थोड़ा बहुत सेल की जानकारी ली उसके बाद सेल में कितने कंपोनेंट्स होते उसके बारे में देखा फिर सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है सबको एक एक करके हम लोगों ने देखा बारीकी से किसका क्या फंक्शन होता है वो सारे को देखा और फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी किया ओके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चलेंगे मीन्स इसके आगे का जो भी प्रोसेस है उसको हम देखेंगे ओके थैंक यू बट कहीं कहीं मतलब वो मतलब जो बोलते हैं ना कि हाथ से मिटाना वो और बताइए पढ़ाई की अच्छा पढ़ाई और बताइए अच्छा रहा मैडम इनका ब्लैक बोर्ड वर्क पिछला हम लोग इनके बहुत 5-6 क्लास से जुड़े हुए हैं ब्लैक बोर्ड वर्क था जो पिछले क्लास से इनका अच्छा होता जा रहा है हमको दिख रहा है मैडम हम है ही नहीं अब मात्र बस तीन ही कोई बचे हुए हैं तीन कोई आज ही करना है नहीं नहीं मेरा हो गया है मेरा भी हो गया है मोनी जी का भी हो गया है और इसमें जितना कोई हो गया सबका सबका हो गया पूजा लास्ट है ना मैम तीन ठीक है पूजा तुम बहुत अच्छे पढ़ाई तुम्हारा प्लांट सेल था एनिमल सेल था उसको अच्छे से डिफाइन की एक्सप्लेन की तुम्हारा डायग्राम बहुत अच्छा था क्लियर था वो सब ठीक था कमी कहाँ रह गई कि आप ब्लैक बोर्ड पे हाथ रख रहे थे व्हाइट बोर्ड पे आपका हाथ हमेशा जा रहा था उसमें नहीं लिखना चाहिए रखना चाहिए हाथ और होमवर्क को लिखना है छोटे बच्चे को आप पढ़ाएंगे ना बोलने से स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे लिखा नहीं लिखा होमवर्क आपको बोर्ड पे लिखना है
डायग्राम लिखा के और उसके बाद होमवर्क बोर्ड पे लिखना है। ओके मैम ठीक है। इसका क्या आपने समय ज्यादा लिया 10 मिनट क्या मैम? तो आपको समय बांट लेना है, टाइम को डिवाइड कर लेना है, कितनी देर आप एक्सप्लेन करेंगी, कितनी देर आप क्वेश्चन पूछेंगे, दो बार क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद आप उसके बाद फिर होमवर्क देंगे, ये सब का टाइम आप बांट करके लेसन प्लान बनाइएगा। तो आप सोच लीजिएगा कि हमको डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी और लोगों का बहुत अच्छा। मैडम पूछना और नहीं नहीं, इसमें तो हम लोग अभी चार ही कोई बचे हुए हैं, पूछना था कि मैडम ठीक है तो आप ले ले क्या मैम टोटल टाइम कितना लगा मेरे मैम आपका मैम एक क्वेश्चन है बताइए। हाँ मैम बताइए कितना टाइम लगा आपका? टाइम बोलता 8 मिनट ज्यादा लगा क्या आपका? 40 मिनट से ऊपर 8 मिनट और लगा मैम? नहीं लगा, मुझे पता नहीं, आप बोलिए कब स्टार्ट की थी मैम? मेरा पढ़ाई जो हम पढ़ाए वो टोटल टाइम कितना लगा मैम वो पूछ रही हूँ मैम। वो हमको नहीं पता है। आप जो पढ़ाई 8 मिनट ज्यादा लगा, चलिए टोटल लग रहा है। हम सभी का हो भी चुका है मैम। चलिए बहुत अच्छी है, इतना देर तक आप लोग लगी रही और उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, जाइए एग्जाम के लिए तैयार हुई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। का अटेंडेंस बनेगा क्या? हाँ हाँ सबको बनेगा। ठीक है मैम। थैंक यू मैम।